Hello students, I welcome you all on the India's largest online learning platform that is called as an academy. Hello students, स्वागत करता हूं लर्नर्स, आप सभी का हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉल्ड एज अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल. जी हां, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल दैट इज लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसई सिविल इंजीनियरिंग में. तो आज का हम सेशन बेटा शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आप मुझे बेटा ये कंफर्म कर दीजिए कि आपको ऑडियो और वीडियो बेटा क्लियर आ रही है नहीं आ रही. मेरे को कंफर्म कर दीजिए जल्दी से दैट आपको ऑडियो और वीडियो क्लियर है, तब हम अपना सेशन शुरू करते हैं बेटा. गुड मॉर्निंग राकेश यादव, गुड मॉर्निंग शुभम शर्मा, विजय मांगड़े, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग बेटा, आप मुझे बेटा क्लियर करिए, सब क्लियर है. राकेश यादव कह रहे हैं सब क्लियर है. सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन बेटा, हम अपना सेशन शुरू करते हैं. सो अगेन आई वेलकम यू ऑन द इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉल्ड एज एन अकेडमी. अनअकैडमी के थ्रू कैसे आप गेट, ईएसई या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं. यू कैन क्रैक गेट एंड यू कैन क्रैक ईएसई विद इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज कॉल्ड एज अनअकैडमी. तो अनअकैडमी का एक बेटा प्लस सब्सक्रिप्शन है, अनअकैडमी का एक प्लस सब्सक्रिप्शन है, जिस प्लस सब्सक्रिप्शन को लेकर यू विल गेट एक्सेस टू द अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज. यू विल गेट द एक्सेस टू द अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स. यस, सही सुना आपने, हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन एजुकेटर से आप जो है लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस लेकर अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं. मैं सेशन को शुरू करने से पहले बेटा, सेशन को शुरू करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूं. दिस इज ऑल अबाउट मी. माय नेम इज मोहम्मद एहतिशाम सिद्दीकी. एंड आई एम ए एलुमनी ऑफ JMI न्यू दिल्ली. आई एम फोर टाइम्स गेट क्वालिफाइड with a good rank. I have 3 years of experience, and during these 3 years I have taught more than 10,000 students all over the India in different coaching institutes, in different colleges. Yes, I have taught the variety of students, whether they belong from the South India, whether they belong from North India. I have taught numerous number of students all over the India. कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है हम यहाँ पर ले रहे हैं, व्हाट आर द सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट्स विच आर डिस्कसिंग हियर. द जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग इज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन अनअकैडमी ऐप. ऑन द अनअकैडमी ऐप पर ही हमने जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग को ऑलरेडी शुरू बेटा कर दिया है ना. तो अगर आपने अब तक अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड नहीं करी तो वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के 10 लेक्चर्स हो चुके हैं. अगर आप बेटा पहली बार क्लास में आए हैं तो आप जो है उन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के पिछले जो हाइड्रोलॉजी के लेक्चर हैं वो सारे देखिए, आपको बहुत मजा आएगा. रिमेनिंग जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं. तो दिस इज द अनअकैडमी ऐप. अगर आपको जो है आपने अभी तक अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से आप अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर दीजिए. क्यों बेटा? क्योंकि मेरी जितनी भी स्पेशल क्लासेस हो रही हैं वो सारी की सारी आपको मिलेंगी कहां? अनअकैडमी की ऐप पर. और साथ ही साथ आप बेटा प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो. मैंने क्या बोला कि अगर आप बेटा प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपकी जितनी भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी वो केवल और केवल किस पर होंगी? अनअकैडमी की ऐप पे होंगी. अगर कोई आपको इशू आता है तो आप हमसे चैट भी कर सकते हैं या फिर आप जल्दी से प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं. क्या क्या फायदा मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको? आपको बेटा डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, वो भी न्यूमरस नंबर ऑफ फैकल्टीज के द्वारा. डेली लाइव क्लासेस तो मिलती हैं, सिर्फ एक टीचर के द्वारा नहीं, एक एक सब्जेक्ट के जो है हंड्रेड्स है ना, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके थ्रू आप क्लासेस ले सकते हैं. तो जिस टीचर के साथ आप कॉम्पेटेबल हैं, अगर आप मेरे साथ कॉम्पेटेबल हैं तो आप मेरे से क्लासेस लीजिए. कोई स्टूडेंट किसी और के साथ कॉम्पेटेबल है तो वो उससे क्लासेस लेगा. तो देयर शुड बी द कॉम्पेटेबिलिटी है ना, ये चॉइस है आपके पास कि आप किसको, किस टीचर से आपको क्लासेस लेनी है. तो दिस इज द वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ एन एकेडमी. लेकिन अगर किसी वजह से आपकी लाइव क्लास बेटा छूट जाती है तो वो लाइव क्लास बेटा आपकी जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में चली जाती है. आप कभी भी कहीं भी कैसे भी जो है उसको अनलिमिटेड टाइम्स, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार देखें, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप उन क्लासेस को बेटा देख सकते हैं. दिस इज द बेस्ट एंड बेस्ट बेनिफिट ऑफ एन एकेडमी. अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ
आप उस लेक्चर को रिवाइंड करना चाहते हैं तो आपको याद नहीं कर पाता, क्योंकि आपका लेक्चर 2-3 घंटे का होता है, तो बहुत सारी टीचर ने चीजें बताई हैं, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि आप उन सारी चीजों को रिमाइंड नहीं कर पाते हैं कुछ चीजों को। तो अगर आप उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना चाहते हैं तो आपके पास क्या है बेटा, अनलिमिटेड एक्सेस है। उन्हीं वीडियोज को आप कितने बार ही देख सकते हैं जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। फिर आप बोलोगे सर आप मुझे फ्री पे यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हो और आप फ्री में मुझको अनअकैडमी ऐप पर भी पढ़ा रहे हो, लेकिन फिर मुझे प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए क्यों बोल रहे हो? उसका कारण बेटा यह है कि जितनी भी क्लासेस अपन YouTube के चैनल पे ले रहे हैं, अकेडमी के लेट्स क्रैक गेट एंड ईएसई के जो YouTube चैनल पर हम जितनी भी क्लासेस ले रहे हैं बेटा, और साथ में जो हम अनअकैडमी की ऐप पर जितनी भी क्लासेस चलती हैं जो कि स्पेशल क्लासेस होती हैं, ये सारी की सारी क्लासेस बेटा अनस्ट्रक्चरल फॉर्म में होती हैं। कैसे फॉर्म में होती हैं? अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती हैं। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल एक टॉपिक करा दिया, फिर दूसरा टॉपिक, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो दिस इज एन अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म। लेकिन अगर आप बेटा अनअकैडमी की ऐप, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सारे के सारे कोर्सेज आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, सीक्वेंस फॉर्म में मिलेंगे। और अगर आपको कोर्सेज बेटा सीक्वेंस फॉर्म में मिलेंगे तो आप अपनी तैयारी बिना फ्रस्ट्रेशन के बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, हम लोग ये क्लासेस फ्री इसलिए देते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में फ्री इसलिए दे देते हैं ताकि आपकी ट्रांसपेरेंसी बनाई रखे, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच क्या रहे, एक ट्रांसपेरेंसी रहे। क्योंकि जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी बेटा, आप जब तक फ्री में पढ़कर नहीं समझ पाएंगे कि आपका टीचर कैसे पढ़ा रहा है, कैसे आपको जो है वो अपने गोल तक लेके जा सकेगा, जब तक आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी तब तक आप पे ट्रस्ट नहीं आएगा, और जब तक आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे तब तक आप सिलेक्शन नहीं कर निकाल सकते। तो इसीलिए हम लोग ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए, ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए वी विल प्रोवाइड द फ्री क्लासेस, ताकि आप जो है फिर प्लस सब्सक्रिप्शन, अगर फ्री में इतना बढ़िया मिल रहा है तो प्लस में कैसा मिलेगा, यू शुड अंडरस्टैंड इट। उसके बाद देखिए आजकल जो है लाइव टेस्ट और लाइव क्विजेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो आप अनअकैडमी के थ्रू लाइव टेस्ट एंजॉय कर सकते हैं, है ना, फैकल्टी डायरेक्टली आपको लाइवली उस टेस्ट को सॉल्व कराएगी, और साथ में क्विजेस जिसमें आपकी रैंकिंग बनेगी, फर्स्ट रैंकिंग, पहले पहली रैंक पे कोई था फिर दूसरी रैंक पर। हम भी बहुत जल्दी क्विज शुरू करेंगे, कल करने का प्लान था लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हमने नहीं किया, हम जल्दी आज या कल से जो है अपने क्विजेस करना चालू करेंगे। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी। ये सारे अब आप देखेंगे कि सिर्फ मैं ही अकेला नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने बताया बहुत सारे एक एक सब्जेक्ट के कई सारे टीचर्स हैं। दीज आर द टॉप एजुकेटर्स थ्रू विच यू कैन गेट द एजुकेशन। ये सारे कोर्सेज हैं बेटा, इन सारे ये सारी ब्रांचेज हैं जिसमें आप जो है तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ गेट एंड ईएसई नहीं, अनअकैडमी इज द रेवोल्यूशन इन इंडिया। आप जो है एसएससी की तैयारी करते हो, आप जो है एई की तैयारी करते हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सारे के सारे एग्जाम्स को कवर करता है अनअकैडमी। इसी तरीके से अगर हम गेट एंड ईएससी की स्पेशली बात करें, अगर आप गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो एक साल की जो फीस है वो है बेटा 25,000। 25,000 में आपको जो है अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, वो भी किन किन लेक्चर्स का जो इंडिया के टॉप फैकल्टीज पढ़ाते हैं। लेकिन अगेन अगर आप अपने प्यारे सिद्दीकी सर का कोड यूज कर लेंगे ES001 तो आपको जो है बहुत ही प्यारा सा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपकी जो फीस हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी कितनी, 22,500 रुपीज। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ सिद्दीकी सर कोड। लेकिन अगर आप बेटा सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में और आप अपनी तैयारी इतनी बढ़िया से करना चाहते हैं कि जब आप एग्जाम दें तो टॉप कर दें, तो आप 2 साल का कोर्स ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड 30,000 रुपीज का है। और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो अगेन यू विल गेट ए 10% डिस्काउंट, तो आपको जो फीस मिल जाएगी वो मिल जाएगी 27,000 रुपीज में अनलिमिटेड एक्सेस टू द लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस ऑन अनअकैडमी। दिस इज द बेनिफिट, और कितने समय के लिए, 24 आवर्स के लिए। तो अगर आप किसी ऑफलाइन कोचिंग से कंपेयर करेंगे तो इट्स वेरी वेरी इकोनॉमिकल, समझिए इस बात को बेटा। चलिए जरा हम अपना कोर्स अब शुरू करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एन अकेडमी, दिस इज ऑल अबाउट प्लस सब्सक्रिप्शन। किसी को प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो मेरा कोड यूज कर सकता है या फिर मेरे से कांटेक्ट भी कर सकता है अगर इसके बारे में जानना चाहता है। तो हमने बेटा कल नया चैप्टर शुरू करा था, उस नए चैप्टर हमने कहा था कि जब रेनफॉल जो है रन ऑफ की फॉर्म में स्ट्रीम में जब पहुंचती है तो रन ऑफ तक पहुंचने में रेनफॉल का बहुत सारा हिस्सा जो है लॉस्ट हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ इवेपोरेशन, इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपायरेशन, इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेप्शन लॉसेस, इन द फॉर्म ऑफ डिप्रेशन स्टोरेजेस, इन द फॉर्म ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। तो ये सारी प्रोसेसेस जो कि रेनफॉल से माइनस करके, रन ऑफ रेनफॉल से जब हम माइनस करते हैं तब जाके रन ऑफ मिलता है, इन्हीं सारे सब्सट्रैक्शंस को, इन्हीं सारी प्रोसेस को, इन्हीं सारे लॉसेस को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। इसमें हम सबसे पहले चर्चा कर रहे थे इवेपोरेशन की, हमने कहा था इवेपोरेशन वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में लिक्विड मॉलिक्यूल्स गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं बिलो इट्स
बॉइलिंग पॉइंट, फिर हमने बहुत सारे कारक पढ़े थे, बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे जो इवेपोरेशन को प्रभावित करते हैं। आपको आई होप वो सारे फैक्टर्स समझ में आ गए होंगे। फिर हम आज की क्लास शुरू कर रहे हैं बेटा। गुड मॉर्निंग अभिनंदन, गुड मॉर्निंग प्रियंका, गुड मॉर्निंग वसु पंडिता, गुड मॉर्निंग अमित कुमार मौर्य, गुड मॉर्निंग सबको, सबको जो है गुड मॉर्निंग। एवरी वन शुड बी इनर्जेटिक। सुबह जो होनी चाहिए वो एक हाई एनर्जी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी सुबह बेटा अच्छी चली गई तो आपका पूरा दिन अच्छा चला जाएगा। और उस सुबह को अच्छी बनाने के लिए कौन है, उस सुबह को अच्छी बनाने के लिए सिद्धि की सर है, पूरा एनर्जेटिक कर देंगे, खून खून रगों में बहुत तेजी से दौड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं हम फिर अपना अपना नया टॉपिक आज का, दैट इज कॉल्ड एज मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो देखिए मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन में हम किस तरीके से, प्रेसिपिटेशन में नहीं, हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट ऑफ इवेपोरेशन की, सॉरी। तो हमने कहा कि इवेपोरेशन एक सबसे पहला एब्स्ट्रैक्शन है जो रेनफॉल से लॉस्ट हो जाता है। तो इस इवेपोरेशन को किस तरीके से मापा जा सकता है, तो इस इवेपोरेशन को किस तरीके से मापा जा सकता है उसके कई सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला जो मेथड है दैट इज कॉल्ड एज इवेपोरीमीटर्स। इवेपोरीमीटर्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड पैंस होते हैं, हम उन पैंस को क्या है कुछ स्टेशन पर इंस्टॉल्ड करते हैं, और उन स्टेशन जैसे हमने रेन केज इंस्टॉल किया था उसी तरीके से हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड पैंस या स्टैंडर्ड इवेपोरीमीटर्स होते हैं, उनको हम कुछ स्टेशंस पर इंस्टॉल्ड करते हैं और उन स्टेशंस को बोलते हैं पैन स्टेशंस। तो हम लोग क्या करते हैं, पैन में होने वाले इवेपोरेशन को नोट करके हम लोग लेक का रिजर्वायर का इवेपोरेशन नोट कर लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय विच वी कैन डिटरमाइन द इवेपोरेशन। दूसरा क्या है, कुछ एम्पेरिकल इक्वेशंस हैं। कई सारे इंजीनियर्स ने, कई सारे साइंटिस्ट ने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर एक एम्पेरिकल इक्वेशन दी, जिस एम्पेरिकल इक्वेशन से आप जो है इवेपोरेशन की दर या इवेपोरेशन की रेट या इवेपोरेशन का अमाउंट निकाल सकते हैं। और उसके बाद कुछ मैथमेटिकल या एनालिटिक इक्वेशन हैं जो कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती हैं, जिनका यूज करके हम लोग जो है रेट ऑफ इवेपोरेशन निकाल सकते हैं। तो एक एक करके सबको एक एक करके पढ़ेंगे हम डिटेल में, तो जल्दी से पढ़ लीजिए। पहली लाइन क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेटेड फ्रॉम द वाटर सरफेस। मैंने बताया था बेटा इवेपोरेशन को दो तरीके से पढ़ेंगे, एक इवेपोरेशन सरफेस वाटर बॉडी का, और जो दूसरा इवेपोरेशन है जो वेजिटेशन के आसपास के एरिया से हो रहा है उस इवेपोरेशन को हम सेपरेटली पढ़ेंगे, वो हम बाद में बताएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किस इवेपोरेशन का, जो सरफेस वाटर बॉडी से इवेपोरेशन होता है उसको हम जो है तीन मेथड्स के द्वारा निकाल लेते हैं, यूजिंग इवेपोरीमीटर डाटा या फिर पैन डेटा, दूसरा है यूजिंग एम्पेरिकल इक्वेशन, और तीसरा है एनालिटिकल मेथड्स। तो जल्दी से हम इवेपोरीमीटर डेटा से हम लोग जो है इवेपोरेशन समझ लेते हैं कैसे निकालते हैं। हमारे पास क्या कुछ स्टैंडर्ड पैंस होते हैं, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड पैंस होते हैं, और उस इन स्टैंडर्ड पैंस में हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमने फॉर एग्जाम्पल इसके आसपास में कोई रिजर्वायर है, कोई लेक है, और उसका इवेपोरेशन, उससे होने वाले इवेपोरेशन को मैं निकालता हूं। तो मैं क्या करता हूं, ये जो पैन है इस पैन को इस रिजर्वायर इस लेक के आसपास सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस में इस पैन को मैं इंस्टॉल्ड करता हूं, और इस पैन से जितना भी इवेपोरेशन हुआ, दैट इज इवेपोरेशन फ्रॉम पैन, उसको मैं नोट कर लेता हूं। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि मैं इस रिजर्वायर इस लेक के आसपास कुछ पैन स्टेशंस लगाता हूं, थोड़े से हमारे प्याले होते हैं है ना, पैंस होते हैं अलग अलग साइज अलग अलग शेप के जिनकी डायमेंशन पूछी नहीं जाती है, उस पैन से होने वाला इवेपोरेशन अंडर सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस मैं नोट कर लेता हूं कि फॉर एग्जांपल 2 mm पर डे है ना, इसका लेवल अभी यहां था, इसका लेवल यहां चला गया, तो एक दिन में कितना कम हुआ 2 mm, तो मैं बोलूंगा एक दिन में जो इवेपोरेशन हुआ वो 2 mm हुआ, तो पैन का इवेपोरेशन मैं निकाल लेता हूं। लेकिन बेटा पैन का जो इवेपोरेशन है वो लेक के इवेपोरेशन के बराबर नहीं होगा या रिजर्वायर के इवेपोरेशन के बराबर नहीं होगा, तो इस पैन के इवेपोरेशन के डेटा को, ये पैन से जो इवेपोरेशन का डेटा मिला है उसको लेक के इवेपोरेशन के डेटा में कन्वर्ट करने के लिए हम हर पैन के पैन कोफिशियंट सी, हर पैन के पैन कोफिशियंट सी से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ध्यान से याद रखिएगा कि जो लेक इवेपोरेशन है वो किसके बराबर होगा, जो हमने पैन से इवेपोरेशन की वैल्यू निकाली है मल्टीप्लाई उसको कर देते हैं हम पैन कोफिशियंट से, मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं पैन कोफिशियंट से। आपको पता है पैन इवेपोरेशन का जो सरफेस एरिया हुआ कम और लेक इवेपोरेशन का सरफेस एरिया क्या होगा ज्यादा, तो पैन इवेपोरेशन के सरफेस के ऊपर जो एयर ब्लैंकेट बनेगा वो छोटा
और लेक इवेपोरेशन के लेक के ऊपर जो एयर ब्लैंकेट बनेगा बड़ा, पैन इवेपोरेशन के जो एयर ब्लैंकेट है उसको आसानी से हवा उड़ा सकती है, लेक इवेपोरेशन से जो आपका ब्लैंकेट बनेगा उसको हवा देरी से उठाएगी तो एक्सपोज्ड एरिया कम होगा। तो उसका मतलब पैन इवेपोरेशन हमेशा लेक इवेपोरेशन से तो क्या होगा, पैन इवेपोरेशन हमेशा लेक इवेपोरेशन से क्या होगा, ज्यादा। तो लेक इवेपोरेशन कम है पैन इवेपोरेशन से, तो इस पैन इवेपोरेशन को कम करने के लिए ताकि हमें लेक इवेपोरेशन मिल जाए उसके लिए हम लोग एक पैन कोफिशियंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। हर एक टाइप के पैन का कोफिशियंट अलग अलग होता है। तो यहां से आपको ये बात समझ में आती होगी कि जब पैन इवेपोरेशन लेक इवेपोरेशन से ज्यादा है या लेक इवेपोरेशन पैन इवेपोरेशन से कम है तो यह 100% बात सिद्ध है कि जो पैन कोफिशियंट होगा, चाहे किसी भी तरीके का पैन हो, उसका पैन कोफिशियंट हमेशा एक से क्या होगा, कम होगा। तो हमने कहा कि अगर किसी लेक किसी रिजर्वायर का इवेपोरेशन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, आसपास में एक पैन स्टेशन इंस्टॉल करेंगे, उस पैन का इवेपोरेशन नोट कर लेंगे, लेकिन वो पैन का इवेपोरेशन लेक के इवेपोरेशन के बराबर नहीं है। उस पैन के इवेपोरेशन को लेक के इवेपोरेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम उस पैन के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दैट कोफिशियंट इज कॉल्ड एज पैन कोफिशियंट। सिंस द लेक इवेपोरेशन इज लेस देन पैन इवेपोरेशन, क्योंकि इसका कारण हमने पढ़ रखा है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ये पैन इवेपोरेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू हमेशा एक से क्या होगी, कम। अब कौन कौन से इवेपोरीमीटर्स या पैन हम यूज करते हैं, इवेपोरीमीटर्स का मतलब पैन, तो कौन कौन से इवेपोरीमीटर्स या पैन हम यूज करते हैं। अगर हमने देखो बेटा, अगर हमने यूनाइटेड स्टेट्स का क्लास ए पैन यूज किया, मैंने क्या बोला, अगर हमने यूनाइटेड स्टेट का क्लास ए पैन यूज किया तो उसके पैन कोफिशियंट की वैल्यू होती है 0.70। अगर हमने कोलोराडो संकन पैन, ये सब स्टैंडर्ड नेम है, अगर हमने कोलोराडो संकन पैन का यूज किया तो उसकी वैल्यू होती है 0.78। अगर हमने यूएस जियोलॉजिकल सर्वे फ्लोटिंग पैन का यूज किया, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का जो फ्लोटिंग पैन है उसका यूज किया इवेपोरेशन को नोट करने के लिए तो वैल्यू होती है 0.8। या फिर अगर हमने इंडियन स्टैंडर्ड, हम ना यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं बेटा, ना हम जो है हम यूनाइटेड स्टेट में तो रहते नहीं है, तो हम तो रहते हैं इंडिया में, तो इंडिया के लोग क्या है, बहुत महान है बेटा, तो हम डेटा भी कहां का यूज करेंगे, इंडिया का। तो हमें कोई ऊपर का डेटा पता हो या ना पता हो, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि जो हम इंडियन स्टैंडर्ड इवेपोरीमीटर यूज करते हैं या इंडियन स्टैंडर्ड पैन यूज करते हैं उसका पैन कोफिशियंट कितना होता है, उसका पैन कोफिशियंट होता है 0.8। लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्स में यूएस क्लास ए पैन, कोलोराडो संकन पैन और यूएस जियोलॉजिकल पैन के बारे में भी पूछा गई है इनकी वैल्यूज, तो याद करने का तरीका क्या, बिल्कुल आसान है। जो वैल्यूज शुरू होती हैं वो 0.7 से शुरू होती हैं, 0.7, 0.78, 0.8, 0.8, यूएस क्लास पेन, कोलोराडो पेन, यूएस जियोलॉजिकल फ्लोटिंग पेन और आईएस पेन। तो याद रहेंगी, आप सारी बातें याद रखेंगे तो छोटे छोटे एग्जाम में काम आएंगी, लेकिन अगर आप बड़े एग्जाम दे रहे हैं गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज तो सिर्फ इंडियन स्टैंडर्ड पैन का कोफिशियंट याद रखिएगा, क्योंकि जब भी वाटर बजट इक्वेशन पे कभी, जैसा हमने पीछे एक सवाल किया था, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वाटर बजट इक्वेशन पे आपका जो है पैन इवेपोरेशन की वैल्यू दे देता है लेकिन पैन कोफिशियंट नहीं दे रखा होता है, तब आपको ये कॉमन सेंस लगाकर यूज करना है कि जो पैन कोफिशियंट मेरे को यूज करना है वो इंडियन स्टैंडर्ड कोड का यूज करना है, दैट इज 0.8। तो ये बड़ा आसान सा मेथड है, बड़ा सिंपल सा मेथड है बेटा। क्या है सिंपल सा मेथड, कि जो लेक इवेपोरेशन है दैट विल बी इक्वल टू पैन इवेपोरेशन इनटू पैन कोफिशिएंट, और पैन कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होगी, यूएस क्लास, आंखें बंद करके सब याद करेंगे, यूएस क्लास पैन के लिए 0.7, उसके बाद संकन कोलोराडो संकन पैन के लिए 0.78, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे पैन के लिए 0.8 और इंडियन स्टैंडर्ड के लिए 0.8। जल्दी से आपको ये बातें क्या हो गई होंगी, याद हो गई होंगी, याद नहीं हुई तो 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगी। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड यूजिंग विच वी डिटरमाइन द इवेपोरेशन। चलिए अब हम सेकंड मेथड की तरफ पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज यूजिंग एम्पिरिकल इक्वेशन। यूजिंग एम्पिरिकल इक्वेशन, देखो मार्केट में तो बहुत सारी, मार्केट का मतलब बुक्स में तो बहुत सारी एम्पिरिकल इक्वेशन है, अगर आप पढ़ने और रटने बैठेंगे ना तो वो सारी की सारी एम्पिरिकल इक्वेशंस आप याद नहीं कर पाएंगे, और वो सारी की सारी याद कर भी ली
तो वो इक्वेशंस कभी भी एग्जाम में पूछी नहीं जाएंगी। मैंने कहा अगर वो सारी की सारी आपने याद कर भी ली तो आपके एग्जाम में वो सारी की सारी पूछी जाएंगी नहीं। आपके एग्जाम में जो इंपेरिकल इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पॉइंट दोनों पूछे जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेयर्स इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड एज मेयर्स इक्वेशन। ये मेयर्स इक्वेशन कुछ और नहीं है बेटा, जो हमने पीछे डेल्टन्स लॉ पढ़ा था ना, एक जो डेल्टन्स लॉ पढ़ा था उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है, डेल्टन्स लॉ का मॉडिफाइड फॉर्म है। अगर आपको याद आता हो डेल्टन साहब ने अपने लॉ के अनुसार ये बताया था कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है किसी भी सरफेस वाटर बॉडी से, किसी भी सरफेस वाटर बॉडी से जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो सेचुरेशन वेपर प्रेशर और एक्चुअल वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनके डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना इनका अंतर ज्यादा उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा, और जितना इनका डिफरेंस कम उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन की वैल्यू भी कम। लेकिन मेयर साहब ने क्या किया, मेयर साहब ने डेल्टन साहब को देखा और डेल्टन साहब के जो लॉ था उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन कर दिए। क्या बोला, बोले मेयर साहब तुमने ये बात तो बोल दी, वो मेयर साहब बोले डेल्टन साहब से कि तुमने ये बात तो बोल दी कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है सेचुरेशन वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमने देखा है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो विंड वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मेयर साहब ने क्या किया, विंड वेलोसिटी को भी अपनी इक्वेशन में क्या कर लिया, अकाउंट फॉल कर लिया। तो according to mayors के according अगर आपको evaporation निकालना है, तो उन्होंने कहा कि जो rate of evaporation है, इन्होंने कहा देखो empirical equation है, अगर आपने कभी पढ़ी हो empirical equation, तो empirical equations वो equations होती हैं जो किसी engineer किसी scientist ने अपने experiments के दौरान develop की हैं, और जो इंसान अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान उन इक्वेशंस को डेवलप करेगा तो उसकी मर्जी है बेटा, वो कहेगा अगर तुम्हें ये वैल्यू इस यूनिट में रखनी है तो आंसर तुम्हें इसी यूनिट में मिलेगा। उसमें ये मत सोच लेना इधर मैंने वैल्यू मीटर पर सेकंड में रखी है तो आंसर भी लेफ्ट साइड में मीटर पर सेकंड में मिलेगा। उन्होंने अपनी इक्वेशंस को इस तरीके से बनाया है कि उन्होंने अपनी यूनिट के बारे में भी बताया है कि जिस यूनिट में मैं बोलूंगा इस यूनिट में आपको इस डेटा को रखना है, इसी यूनिट में रखना है, और आंसर भी जिस यूनिट में बताऊंगा उसी यूनिट में आएगा। तो इंपेरिकल इक्वेशंस में सिर्फ इक्वेशन याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उन वैल्यूज को किस यूनिट में रखना यह भी इंपॉर्टेंट है। तो मेयर साहब ने कहा कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, मेयर साहब ने कहा कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस इन सेचुरेशन वेपर प्रेशर एंड एक्चुअल वेपर प्रेशर, और साथ में उन्होंने जो है विंड वेलोसिटी को भी यूज किया, मल्टीप्लाइड बाई वन प्लस U9 by 16। लेकिन जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था दोनों पे, लेकिन जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, उस कांस्टेंट को बोलते हैं मेयर्स कांस्टेंट, उसको हम बोलते हैं मेयर कांस्टेंट। तो अगर हम आपसे पूछे, ध्यान सुनिएगा, अगर हमसे पूछे आपसे यूनिट जरूर याद रखनी क्योंकि इंपेरिकल इक्वेशन है, तो अगर हम आपसे पूछे EL क्या है, तो आप बोलोगे EL is the rate of evaporation, सरफेस वाटर बॉडी से होने वाला इवेपोरेशन किस यूनिट में mm पर डे में, इट इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन mm पर डे। अगर हम पूछें ES और EA क्या है, तो आप बोलेंगे इट इज द सेचुरेटेड एंड एक्चुअल वेपर प्रेशर किस यूनिट में, इन mm ऑफ HG। HG के प्रेशर के अकॉर्डिंग हम नापेंगे कि HG प्रेशर, आपने प्रेशर निकाला HG के फॉर्म में, उसको उसके यूनिट वेट से डिवाइड कर दिया, तो जितना mm ऑफ HG मिलेगा उसी को उस फॉर्म में रखना है, दैट इज ES और EA इज द सैचुरेटेड एंड एक्चुअल वेपर प्रेशर इन mm ऑफ HG। फिर आप बोलोगे सर ये U9 क्या है, व्हाट इज U9? U9 is the wind velocity, याद रखना यूनिट, U9 is the wind velocity in kilometer per hour, कहां पर, 9 दिख रहा है ना, 9 विंड वेलोसिटी इन किलोमीटर पर आवर एट 9 मीटर अबव द ग्राउंड सरफेस से 9 मीटर ऊपर जो भी विंड की वेलोसिटी होगी किलोमीटर पर आवर में, उसी को बोलते हैं U9। फिर आप बोलोगे सर ये KM क्या है, KM को बोलते हैं बेटा मेयर्स कांस्टेंट, KM इज द मेयर्स कांस्टेंट
इसकी वैल्यू जो है इस बात पे डिपेंड करती है, इस पे भी छोटा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, इट इज द मेयर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि जो मेरा सरफेस वाटर बॉडी है वो लार्ज सरफेस वाटर बॉडी है या स्मॉल सरफेस वाटर बॉडी है। अगर बेटा सरफेस वाटर बॉडी लार्ज है, अगर लार्ज वाटर बॉडी है तब इसकी वैल्यू कम आती, याद रखना, फॉर लार्ज वाटर बॉडी इसकी वैल्यू होती है 0.36, इसकी वैल्यू केएम की कम होती है। एंड अगर हम स्मॉल वाटर बॉडी की बात करें, तो स्मॉल वाटर बॉडी के लिए इसकी वैल्यू होती है ज्यादा, कम के लिए ज्यादा, ज्यादा के लिए कम, और स्मॉल वाटर बॉडी के लिए केएम की वैल्यू 0.5 है ना। एग्जाम में डायरेक्टली एक दो बार छोटे छोटे जेई के एग्जाम्स में ये वैल्यूज पूछी गई हैं कि लार्ज वाटर बॉडी के लिए मेयर्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है और स्मॉल वाटर बॉडीज के लिए मेयर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप छोटे छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन वैल्यूज को याद रखिएगा, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में हमेशा आपको मेयर्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होगी, तो आपको ये बात समझ में आ गई, यस और नो? अरे कमेंट करके बताओ बेटा, बात समझ में आई नहीं आई, जल्दी से कमेंट करके बताओ बात समझ में आई नहीं आई। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन अकॉर्डिंग टू मेयर्स इज इक्वल टू के एम ई एस माइनस ई ए मल्टीप्लाइड बाई 1 + U9/16। यस, हो गया। अब देखो कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा ना, हमें मेयर्स इक्वेशन में कौन सी स्पीड चाहिए, द स्पीड एट 9 मीटर अबव द ग्राउंड सरफेस, लेकिन कभी कभी वो 10 मीटर की दे देगा, कभी कभी एग्जाम में जो है 5 मीटर की दे देगा, और लेकिन हमें तो चाहिए क्या, हमें तो बेटा 9 मीटर की चाहिए। तो किस तरीके से किसी भी h हाइट पर विंड वेलोसिटी को निकाला जाता है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये भी पूछा गया है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन विंड वेलोसिटी, इसको मान लिया u, रिलेशन बिटवीन विंड वेलोसिटी एंड एलिवेशन, h एलिवेशन और विंड वेलोसिटी में अपन रिलेशन निकालते हैं। क्या रिलेशन आता है, इसको याद रखना है आपको। तो देखो क्या होता है, विंड वेलोसिटी u, अगर आप विंड वेलोसिटी निकाल रहे हैं किसी लोकेशन पर, तो जो विंड वेलोसिटी आप निकालेंगे h एलिवेशन पर, इसकी वैल्यू होती है आपकी c a कांस्टेंट है, इनटू h की पावर 1/7, uh इज इक्वल टू c इनटू h की पावर 1/7। व्हाट इज uh, ये याद रखना है, uh इज द विंड वेलोसिटी किस यूनिट में, इन किलोमीटर पर आवर एट ए एलिवेशन ऑफ h मीटर अबव द ग्राउंड सरफेस। याद रखना h किस में, मीटर में, और आपकी जो विंड वेलोसिटी है वो किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर की दे रखी है, लेकिन मेयर्स में तो क्या चाहिए, 9 की, तो आप क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिख दूं 10 मीटर की दे रखी है, तो आप क्या लिखेंगे, u9/u10 = c से c कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 9/10^1/7। तो अगर आपको u10 10 मीटर पे दे रखी है वेलोसिटी, क्योंकि मेयर्स इक्वेशन में u9 पे चाहिए, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं, है ना। तो याद रखिएगा बेटा, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा आप, दिस इज अ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव इसी फॉर्मूले भी पूछे गए कि अगर 5 मीटर पर जो है विंड वेलोसिटी इतनी है, तो बताओ विंड वेलोसिटी जो है इतने मीटर पर कितनी होगी। तो याद रखिएगा ये फॉर्मूला। तो यहां तक बात क्लियर है नहीं, फिर हाँ शुभम शर्मा सही बोल रहे हैं, यू इज प्रोपोर्शनल टू एच की पावर 1/7। शुभम शर्मा आ गई समझ में, हाँ एकदम बढ़िया से। वसु पंडिता, अमित कुमार कह रहे हैं यस सर,
गुड मॉर्निंग अमित कुमार। चलिए जरा, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इंपेरिकल इक्वेशंस में या इंपेरिकल इंपेरिकल रिलेशंस में हमें सिर्फ एक इक्वेशन पढ़नी है और वो इक्वेशन है मेयर्स इक्वेशन। मेयर्स इक्वेशन को मैंने बता दिया। और अगर आपको U9 दैट इज 9 मीटर पर वेलोसिटी निकालनी है तो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं किसी भी एच हाइट पर वेलोसिटी। तो आई होप आपको यहां पर समझ में आ गया होगा। अगर आपको जो है कोई डाउट हो, अगर आप इसको नोट करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप इसे ले सकते हैं। फिर आगे हम लोग क्या करते हैं, हम जो है आगे जो है एक क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से क्वेश्चन करके बता दीजिए, जल्दी से मुझे क्वेश्चन करके बता दीजिए आप। दिस इज अ क्वेश्चन जो कि आपको करना है। देखते हैं किसका आंसर आएगा। न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, NAT है ना। देखते हैं कौन जल्दी से आंसर देगा। जल्दी से सॉल्व करके बताइए। जल्दी से बेटा सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। बेटा U9 थोड़ी ना निकालना है आपको, तो क्या निकालना है आपको, जो है एवरेज टोटल इवेपोरेशन लेक से निकालना है 30 दिन में। जल्दी से बताइए सॉल्व करके। चलिए जल्दी से निकाल लेते हैं इस सवाल को, है ना। इस सवाल को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, ए रिजर्वायर विद सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दे रहा है 250 हेक्टेयर, हैज ए सैचुरेशन वेपर प्रेशर एट वाटर सरफेस इज 17.54 mm ऑफ HG एंड एक्चुअल वेपर प्रेशर इज 7 mm ऑफ HG। कह रहा है इफ विंड वेलोसिटी एट 1 मीटर अबव द ग्राउंड सरफेस इज 16 किलोमीटर पर आवर देन द एवरेज टोटल इवेपोरेशन। तो आपको तो मेयर्स इक्वेशन में वेलोसिटी कहां चाहिए होती है, 9 मीटर पर चाहिए होती है। तो आप मेयर्स इक्वेशन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, U9 डिवाइडेड बाई U1 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 1 की पावर 1/7। तो अगर U1 आपको पता है तो U9 की वैल्यू किसी की आई है बेटा, सही आई है क्या U9 की वैल्यू, किसी ने बताया U9 की वैल्यू जो आ रही है, किसी ने बताया U9 की वैल्यू आ रही है 21.9 U9 आ गया 21.9। सबसे पहले आंसर आया शुभम का 270 mm के करीब आंसर आ रहा है। देखते हैं अभी चेक करके, इनकी जो वेलोसिटी आ रही है 21.9 किलोमीटर पर आवर। तब आपको मेयर्स इक्वेशन यूज करनी है, तो मेयर्स इक्वेशन से आप सबसे पहले रेट ऑफ इवेपोरेशन निकाल लीजिए, mm पर डे में आएगा। तो वो mm पर डे में रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या आएगा, आपको यहां पर मेयर्स कांस्टेंट नहीं दे रखा है बेटा, आपको देखिए मेयर्स कांस्टेंट नहीं दे रखा है, आपको यहां पर मेयर्स कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो अब आप क्या कितना यूज करेंगे, मेयर्स कांस्टेंट तो दे ही नहीं रखा आपको, लेकिन एक रिजर्वायर जो है, एक जो रिजर्वायर है वो स्मॉल सरफेस, एक रिजर्वायर जो है वो स्मॉल सरफेस वाटर बॉडी है। तो जब आपको मेयर्स कांस्टेंट नहीं दे रखा तो आप स्मॉल के लिए क्या कर लेना, 0.5 यूज कर लेना। मैंने क्या बोला, जब आपको नहीं दे रखी है वैल्यू मेयर्स कांस्टेंट की, तो आप कितना यूज कर लेना, 0.5। तो KM की वैल्यू रखेंगे 0.5 मल्टीप्लाइड बाई ES माइनस EA। ES है आपका 17.54 माइनस EA कितना है, माइनस EA है 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस U9 आपका 21.9 डिवाइडेड बाई 16। जब आप सॉल्व करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बताइए पहले बेटा, रेट ऑफ इवेपोरेशन mm पर डे में बताइए कितना आ रहा है बेटा, रेट ऑफ इवेपोरेशन mm पर डे में बताइए कितना आ रहा है।
रेट ऑफ इवेपोरेशन एमएम पर डे में कितना आ रहा है ये बताइए जल्दी से। अरे किसी का आया एमएम पर डे में रेट ऑफ इवेपोरेशन 8.94 एमएम पर डे, ये आ रहा है आपका, आपने सॉल्व किया 8.95 एमएम पर डे, लेकिन एक दिन में इतना इवेपोरेशन हो रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए, आपसे ये पूछा गया है कि बताइए आपका इवेपोरेशन 30 दिन में कितना होगा। तो अगर आप इवेपोरेशन इन 30 डेज निकालेंगे, ऊपर लिख देता हूं, अगर आप इवेपोरेशन इन 30 डेज निकालेंगे तो आप क्या कर दीजिए भाई, एक दिन में इतना हो रहा है तो 30 दिन में कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपल। तो इवेपोरेशन इन 30 डेज यहां पर लिख देता हूं, इवेपोरेशन इन 30 डेज एवरेज टोटल इवेपोरेशन इन 30 डेज इज इक्वल टू 8.95 मल्टीप्लाइड बाई 30। तो सॉल्व करके बताइए कितना आएगा, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। क्यों ऐसा किया, देखो रिजर्वायर जो है, अगर देखो यहां पर वैल्यू दे रखी होनी चाहिए, अगर नहीं दे रखी है तो रिजर्वायर तो एक स्मॉल वाटर बॉडी है ना, तो इसलिए मैंने जो है 0.5 ले लिया। तो 0.5 लिया तो वैल्यू आ रही है इनकी 12.48, वैल्यू आ रही है 12.48, 0.5 से वैल्यू आ रही है 12.48। कंफर्म करिए बेटा यही है ना, 0.5 से जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12.48। तो 12.48 से आंसर निकालिए बेटा, ये वैल्यू है 12.48 एमएम पर डे। तो जब यहां पर वैल्यू आप 12.48 रखेंगे तो 360 के आसपास आएगी कोई वैल्यू, यहां पर रखेंगे 12.48, यहां पर वैल्यू रख दीजिए बेटा 12.48 मल्टीप्लाइड बाई 30। तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 374.4 एमएम इज द राइट आंसर, 370। अच्छा उधर दिख नहीं रहा तो मैं इधर लिख देता हूं, वहां पर वीडियो आ जाती है बेटा, वहां दिखेगा नहीं तो मैं नीचे लिख देता हूं आंसर आपका, नीचे लिख देता हूं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 30 दिन का इवेपोरेशन आपको कितना मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 374.45। ठीक है, 45 का मतलब 4549 का मतलब 375. लगभग 5 mm इज द आंसर। चलिए जो भी आती है, थोड़ा बहुत आगे पीछे वेरिएशन आएगा, मेरा काम क्या है कि सिर्फ जो है किस तरीके का छोटा सवाल आएगा, मेयर्स इक्वेशन में बिल्कुल आपका फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएगा, है ना, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे कि जो वैल्यू आई है वो लगभग आई है 374.5 mm। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंपेरिकल इक्वेशन दैट इज कॉल्ड एज मेयर्स इक्वेशन। अब हम बेटा आगे चलते हैं दैट इज कॉल्ड एज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज एनालिटिकल मेथड्स की तरफ बढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज एनालिटिकल मेथड्स। इस एनालिटिकल मेथड्स में हम सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज वाटर बजट मेथड। सबसे पहला मेथड पढ़ेंगे वाटर बजट मेथड। तो जल्दी से रिवाइज करके मुझे बताओ बेटा, देखो अगर रिजर्वायर वगैरह, देखो जनरली वैसे आपको दे रखा होगा, लेकिन जो आप रिजर्वायर देखेंगे तो रिजर्वायर तो एक स्मॉल वाटर बॉडी है, तो इसलिए हम जो है रिजर्वायर को स्मॉल वाटर बॉडी मानकर जो है 0.5 ले रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको यहां पर डिस्चार्ज नहीं, अगर वो पूछ लेता कि भाई साहब बताओ टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ इवेपोरेशन इवेपोरेट हो गया, डिस्चार्ज के लिए क्या करते, डिस्चार्ज के लिए अपन करते कि जो डेप्थ है डेप्थ को मल्टीप्लाई कर देते एरिया से और डिवाइड कर देते कितने समय से, लेकिन डिस्चार्ज नहीं पूछता, वो वॉल्यूम पूछ सकता है, तो कल उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि जो है रिजर्वायर को मैं एक स्मॉल वाटर बॉडी मानकर कर रहा हूं, अगर जैसे कोई एक बहुत बड़ी सी लेक है तो वहां पर हम 0.36 ले लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको KM की वैल्यू दे रखी थी, लेकिन KM की वैल्यू यहां पर मैंने नोट नहीं करी है। तो रिजर्वायर को मैं एक स्मॉल वाटर बॉडी मानकर इसको सॉल्व कर रहा हूं,
अगर ये रिजर्वायर बहुत बड़ा है तब इसको लार्ज भी मान सकते हैं, लेकिन जनरली रिजर्वायर जो है लेक से तो क्या है छोटा ही होता है, तो इसलिए हमने इसको इस रिजर्वायर को स्मॉल वाटर बॉडी मानकर ऐसा कर लिया। लेकिन अगर आप आपको जब भी न्यूमेरिकल आएगा हमेशा आपको केएम की वैल्यू दे रखी होगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा जब भी आपको न्यूमेरिकल आएगा तो एग्जाम में आपको वैल्यू दे रखी होगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैंने नीचे नोट करके जब सॉल्यूशन करें तो नोट करके लिख देंगे कि आई हैव अज्यूम द रिजर्वायर टू बी ए स्मॉल वाटर बॉडी, दैट्स वाई टेकन के एम इज इक्वल टू 0.5, है ना। इसलिए जो है आपको परेशान नहीं होना, जब भी आपको सवाल आएगा तो आपको के एम की वैल्यू दे रखी होगी। तो अब हम बेटा कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज एनालिटिकल मेथड्स, और एनालिटिकल मेथड्स में हम पहला मेथड करेंगे जिसको हम बोलते हैं वाटर बजट इक्वेशन। तो आप मुझे एक बात बताओ बेटा कि हमने जब पहले चैप्टर में वाटर बजट इक्वेशन पढ़ी थी तो उस वाटर बजट इक्वेशन को अगर मैं पूछूं कि वो कौन से लॉ के ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। हमने जब वो पढ़ी थी तो वो मुझे बताओ वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है या वाटर बजट इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। बिल्कुल सही बता रहे हैं वसु पंडिता, बता रहे हैं कि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है। और भी एक दो बच्चा आंसर दीजिए सर, कंजर्वेशन ऑफ मास। अरे मजा आ गया बेटा, सबने अब मतलब रिवाइज कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं एनालिटिकल मेथड्स में, हम लोग कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस, कुछ लॉ ऑफ कंजर्वेशन का यूज करते हैं। तो वाटर बजट इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी लेक, किसी भी रिजर्वायर, मैंने कहा किसी भी लेक या किसी भी रिजर्वायर से होने वाला इवेपोरेशन हम कैसे निकालते हैं, हम लोग उस लेक उस रिजर्वायर की वाटर बजट इक्वेशन लिख लेते हैं। हमने कहा किसी भी लेक किसी भी रिजर्वायर से होने वाला इवेपोरेशन निकालने के लिए हम उसकी क्या लिख लेते हैं, वाटर बजट इक्वेशन लिख लेते हैं। आपने ऐसा न्यूमेरिकल भी करा था लेक का, तो देखो कैसे करेंगे वाटर बजट इक्वेशन, आपको पता है फिर भी मैं बता देता हूं कोई पहली क्लास में आए। सपोज दिस इज द लेक, सपोज दिस इज द लेक, और इस लेक में क्या है, इस लेक में मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया दिस इज द इनिशियल लेवल ऑफ द वाटर, कम भी हो सकता है फाइनल वाटर, और ये मेरा मान लिया ये फाइनल सरफेस एलिवेशन है, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, इसमें मैं ज्यादा घुस नहीं रहा हूं, है ना, वो डिपेंड करेगा इनफ्लो वॉल्यूम ज्यादा है या कम है। अब मैंने मान लिया कि इस लेक या इस रिजर्वायर में जो सरफेस इनफ्लो आया वो आया आर इन, और इससे जो पानी बाहर गया वो कितना गया, सपोज आर आउट गया, कितना गया आर आउट गया। मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल इस पर इस एरिया में जहां पर ये रिजर्वायर है वहां जो प्रेसिपिटेशन हुआ वो हुआ पी, फिर मैंने मान लिया कि भाई साहब यहां से जो इवेपोरेशन हुआ वो कितना हुआ, वो इवेपोरेशन हुआ ई, मैंने मान लेता हूं ई एल हुआ। इसके आसपास के एरिया से जो आपका ट्रांसपायरेशन हुआ, यहां पर कहीं वेजिटेशन होगा तो यहां पर पेड़ पौधे लगे होंगे, यहां से जो इवेपोरेशन ट्रांसपायरेशन हुआ वो मैंने मान लिया क्या टी एल। मैंने ये मान लिया कि इस रिजर्वायर के बेड से कुछ पानी सीपेज के कारण भी लॉस हो रहा है तो मैंने मान लिया क्यू इज द सीपेज लॉस। तो मैंने क्या किया, एक रिजर्वायर में जो जो चीजें हो रही हैं उन चीजों के लिए मैं क्या कर दिया, उन चीजों को मैंने डिनोट कर दिया। अब आपको पता है कि वाटर बजट इक्वेशन कहती है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जितना पानी आया और जितना पानी गया इन दोनों का डिफरेंस कुछ और नहीं करेगा, केवल और केवल केवल और केवल उस रिजर्वायर के लेवल के एलिवेशन को चेंज कर देगा। तो अगर हम पूछे मास इनफ्लो कितना हुआ है, अगर हम पूछे बेटा मास इनफ्लो कितना हुआ है, तो आप बोलेंगे सर मास इनफ्लो हुआ है कौन कौन सी चीजें आई हैं, एक तो आया बेटा प्रेसिपिटेशन और साथ में एक क्या आया सरफेस, सरफेस रन ऑफ आर इन। अगर हम पूछे बेटा और कुछ भी आया क्या, और कुछ नहीं आया। हम पूछे बेटा मास आउटफ्लो कितना हुआ है, तो आप बोलोगे एक तो हुआ सर इवेपोरेशन प्लस साथ में हुआ ट्रांसपायरेशन प्लस साथ में क्या हुआ है, प्लस साथ में हुआ सीपेज लॉस और प्लस साथ में हुआ है आर आउट, इज इक्वल टू किसके बराबर लिखोगे चेंज इन स्टोरेज। तो अगर आपको ई एल निकालना है तो ये माइनस ऑफ ई एल इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं इसको माइनस ऑफ ई एल को इधर लिख लेता हूं, तो माइनस ऑफ ई एल इस साइड में ले गए तो हो गया प्लस, इज इक्वल टू पी प्लस आर इन, पी प्लस आर इन माइनस टी एल, माइनस टी एल माइनस क्यू माइनस आर आउट, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, माइनस आर आउट और माइनस क्या माइनस चेंज इन एलिवेशन। तो जब आप जो है इन सारी
एक रिजर्वायर से होने वाले इवेपोरेशन को निकालेंगे। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है कि आप क्या करिए, वाटर बजट इक्वेशन लगा दीजिए उस रिजर्वायर के लिए, और ऐसे न्यूमेरिकल्स तो हमने बेटा पहले चैप्टर में कर ही लिए, लेकिन एग्जाम में आपसे पूछे कि बताओ कि जो वाटर बजट मेथड जो इवेपोरेशन निकालने का है वो कौन से प्रिंसिपल या कौन से लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, तो बस याद रखिएगा इट डिपेंड अपॉन द कंजर्वेशन ऑफ मास। बाकी आपको जो है किसी भी रिजर्वायर का इवेपोरेशन निकालना तो वाटर बजट इक्वेशन से आता ही है। आप उस रिजर्वायर उस लेक की वाटर बजट इक्वेशन लिख लीजिए और सिंपली आंसर निकाल लीजिए। मास कंजर्वेशन बिल्कुल सही बता रहे हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत आसान सा मेथड है, एनालिटिकल मेथड। दूसरे एनालिटिकल मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी बैलेंस मेथड। द सेकंड मेथड इज कॉल्ड एज एनर्जी बैलेंस मेथड। तो देखिए जरा ये किसके ऊपर बेस्ड है, वाटर बजट इक्वेशन जो थी या वाटर बजट मेथड था वो कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर डिपेंडेड था, और ये जो एनर्जी बैलेंस मेथड है इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जिस तरीके से मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, उसी तरीके से एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही बदल सकती है। तो अब इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड में जितनी एनर्जी इवेपोरेशन के लिए चाहिए, सन जो सोलर रेडिएशन जितनी एनर्जी दे रहा है, जरूरी थोड़ी है सारी की सारी एनर्जी जो है इवेपोरेशन के लिए यूज हो रही है, तो जितनी एनर्जी इवेपोरेशन के लिए यूज हुई उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं इस मेथड में, रेट ऑफ इवेपोरेशन निकाल लेते हैं। मैंने क्या बोला कि सन ने सोलर रेडिएशन दिए लेकिन सारी की सारी एनर्जी जो है इवेपोरेशन को कराने के लिए यूज नहीं होती है, कुछ ही हिस्सा यूज होता है। मैं आपको बताता हूं उसका यूज करके कैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन निकालते हैं। ध्यान से सुनिएगा, डायग्राम ध्यान से देखिएगा, अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल ये लेक है, मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए लेक, और इस लेक का मैंने मान लिया दिस इज द सरफेस लेवल, this is the water surface of the reservoir or lake। अब सुनो जरा ध्यान से, अब ध्यान सुनना बेटा, कौन कौन सी एनर्जी का हम यूज करेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, यहां से कुछ सन ने अपना इंसिडेंट रेडिएशन दिया, सन क्या दे रहा है, सन कुछ रेडिएशन दे रहा है, और उन रेडिएशन को मैंने मान लिया फॉर एग्जाम्पल सन से आने वाले रेडिएशन को मान लिया मैंने HC। तो वॉट इज HC, ध्यान सुनते जाना, HC इज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। HC क्या थे, लेक की तरफ आने वाले सोलर रेडिएशन। HC इज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब ध्यान से देखो, जो रेडिएशन सन से आए हैं वो रेडिएशन क्या क्या प्रोसेसेस करेंगे उसको समझिए। जो रेडिएशन सन से आए हैं वो कौन कौन सी प्रोसेसेस करेंगे, जैसे ही कुछ रेडिएशन इस पानी के ऊपर पड़ेंगे, इन रेडिएशन का कुछ हिस्सा वापस रेडिएट हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। जो रेडिएशन आए इससे टकराए और टकराने के बाद वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में वापस चले गए, तो वो रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में वापस चले गए उसको मैंने बोल दिया HB, तो अगर हम पूछें HB क्या है, तो HB इज द बैक रेडिएशन। ये इंसिडेंट रेडिएशन का वो हिस्सा है जो वापस रेडिएटेड हो गया, वापस रेडिएशन की फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में वापस चला गया। तो HB इज द बैक रेडिएशन। तो इसका मतलब जो रेडिएशन आए उसमें से बहुत सारा हिस्सा तो वापस ही चला गया रेडिएशन की फॉर्म में, यस। फिर उसके बाद सुनो जरा ध्यान से, ये हो गया बैक रेडिएशन। अब जो रेडिएशन आए हैं उसका कुछ हिस्सा तो रेडिएटेड हो गया, और कुछ हिस्सा क्या होगा, इस वाटर सरफेस पर जैसे ही टकराएगा वैसे ही कुछ हिस्सा तो क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्शन भी तो होगा। तो मैंने मान लिया इस HC का अगर कोई रिफ्लेक्शन कोफिशियंट R है, तो इस इनकमिंग रेडिएशन का R into HC हिस्सा रिफ्लेक्ट हो गया। अभी देखो इवेपोरेशन की बात नहीं चल रही है, अभी टोटल सोलर रेडिएशन इस लेक पर आए इतने, इसमें से HB जो है बैक रेडिएशन चले गए रेडिएशन की फॉर्म में, और R into HC जो था that is the heat which is reflected by
वॉटर सरफेस, वॉटर सरफेस से जो हीट रिफ्लेक्ट हुई उसको मैंने बोल दिया आपका एच एच सी। तो अगर मैं मानू यहां पर एच सी आए और मैंने कहा कि जो है एच बी रेडिएटेड हो गए, आर एच सी क्या हुआ इज रिफ्लेक्टेड, तो इसका मतलब अगर हम पूछें इस लेक में टोटल रेडिएशन कितने आए, अगर हम पूछें इस लेक में टोटल कितनी हीट एनर्जी आई, तो मैंने मान लिया एच एन, एच एन इज द टोटल हीट एनर्जी, एच एन इज द, मैं एच एन की वैल्यू मान लेता हूं, सपोज एच एन इज द नेट हीट रेडिएशन, एच एन इज द नेट हीट रेडिएशन, एच एन इज द नेट हीट रेडिएशन विच इज कमिंग, एच एन इज द नेट हीट रेडिएशन विच इज कमिंग, जो आपके लेक पर आया, जो पूरे के पूरे लेक ने जो रेडिएशन एब्सॉर्ब करे, नेट हीट रेडिएशन क्या है, इट इज द हीट रेडिएशन विच इज एब्सॉर्ब्ड बाई लेक। ये जो इतने एस सी आए, एच बी रेडिएटेड हो गए, एस सी रिफ्लेक्ट हो गए, तो एच एन क्या थे, एच एन इज द नेट हीट रेडिएशन, नेट हीट रेडिएशन एब्सॉर्ब्ड बाई, नेट हीट रेडिएशन एब्सॉर्ब्ड बाई द रिजर्वायर और लेक, लेक के द्वारा कितने हीट रेडिएशन एब्सॉर्ब हुए उसको मैंने बोल दिया एच एन, उसको कितना बोल दिया एच एन। तो अगर हम एच एन की वैल्यू निकालें, अगर हम एच एन की वैल्यू निकालें, ध्यान से देखिएगा, इस लेक में अभी मैंने कुछ नहीं बताया, अब मैं लिखता जा रहा हूं साथ साथ, अगर हम एच एन की वैल्यू निकालें नेट हीट रेडिएशन की, तो आप क्या लिखोगे, एच एन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो आप लिखोगे नेट हीट रेडिएशन जो आपके लेक में आए वो कितने आए, मतलब इस रिजर्वायर के अंदर जो हीट आई वो कितनी आई, टोटल आ रही थी एच सी और चली कितनी गई, एच बी चली गई और आर एच सी चली गई। तो अगर हम पूछें भाई साहब टोटल नेट रेडिएशन कितने एब्सॉर्ब करे लेक ने, तो आप बोलोगे टोटल सोलर रेडिएशन जो आए थे माइनस जो रेडिएटेड हो गए माइनस आर इंटू एच सी जो रिफ्लेक्ट हो गए। ये बात आपको आई होप समझ में आई होगी, ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो रही है बात, आप समझो जरा ध्यान से, और भी कुछ बातें समझो। अब देखो, अब इसके अंदर जो टोटल हीट आई वो आई एच एन, जो टोटल हीट आई वो एच एन, ये जो टोटल लेक ने जो हीट ली वो एच एन। अब इस एच एन हीट का इस लेक ने कैसे कैसे यूज किया वो समझो, इस लेक ने एच एन हीट का कैसे कैसे यूज किया। सबसे पहले क्या होगा, इस रिजर्वायर में एच एन हीट का कैसे कैसे यूज होगा, कुछ हीट क्या करेगी, ध्यान सुनो, कुछ हीट क्या करेगी, इस सरफेस के ऊपर जो एयर है, कुछ हीट क्या करेगी, इस सरफेस के ऊपर जो एयर है सराउंडिंग एयर, उस सराउंडिंग एयर को का टेम्परेचर बढ़ाने की कोशिश करेगी, उसको गर्म करने की कोशिश करेगी। मैंने कहा कि कुछ हीट क्या होती है, कुछ हीट जो इस लेक के अंदर हीट आई, उस कुछ हीट का हिस्सा क्या करेगा, जो आसपास की एयर है उसको गर्म करने की कोशिश करेगा, उसका टेम्परेचर चेंज करने की कोशिश करेगा, और ऐसी हीट, ध्यान सुनना, ऐसी हीट जो किसी भी, चाहे वो पानी हो चाहे एयर हो, यहां तो एयर है, यहां पर एयर है तो मैं एयर की बात करूंगा, ऐसी हीट जो इस सरफेस के चारों तरफ जो एयर है उसके टेम्परेचर, उस सराउंडिंग एयर के टेम्परेचर को चेंज कर देती है। मैंने कहा कि इस हीट, जो हीट आई एच एन, इसका कुछ हिस्सा इस वाटर सरफेस के आसपास की जो हीट है, इस आसपास की जो एयर है उस एयर के टेम्परेचर को चेंज करेगी, और वो हीट जो इस सराउंडिंग एयर के टेम्परेचर को चेंज कर देती है उस हीट को बोलते हैं सेंसिबल हीट। उस हीट को क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट। तो यहां पर सेंसिबल हीट क्या होगी, एच ए, एच ए क्या हो जाएगी, सेंसिबल हीट। बात समझ में आ रही है, मैंने कहा सेंसिबल हीट वो हीट है जो सराउंडिंग एयर, वाटर या किसी के भी, यहां तो बेटा एयर है, जो सराउंडिंग एयर के टेम्परेचर को चेंज कर देती है, सराउंडिंग एयर के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, उसी को हम बोलते हैं बेटा सेंसिबल हीट, यस और नो। तो कुछ हीट जो है आपकी सेंसिबल हीट, मतलब आसपास की एयर के टेम्परेचर में, टेम्परेचर को चेंज करने में यूज हुई। अब कुछ हीट क्या होगी, ध्यान सुनिएगा, कुछ हीट क्या होगी, कुछ हीट क्या होती है, कुछ हीट जो है आपके ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड ये जो रिजर्वायर है, रिजर्वायर से मिलके मिट्टी है, सॉइल है, तो कुछ हीट जो है आपके ग्राउंड में चली जाती है, जो सॉइल है, जो ग्राउंड है, द सर्टेन हीट जो इसने एब्जॉर्ब करी थी उस हीट का कुछ हिस्सा ग्राउंड में चला जाता है, तो वो हिस्सा एच एन का जो ग्राउंड में वेस्ट हो जाता है, ग्राउंड में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है, सिर्फ ग्राउंड के और रिजर्वायर के कॉन्टेक्ट होने के कारण जो हीट ग्राउंड में या सॉइल में ट्रांसफर हो जाती है उस हीट को हम बोल रहे हैं एच जी। उस हीट को क्या बोल रहे हैं, एच जी।
अब उसके बाद सुनो, कुछ हीट क्या करेगी, जो हीट एब्जॉर्ब हुई है, जो हीट एब्जॉर्ब हुई है उसका कुछ हिस्सा, यहां से पानी भी तो निकल रहा है, यहां से क्या निकल रहा है बेटा, पानी भी निकल रहा है, मतलब यहां से सीपेज भी तो हो रहा है। तो होता क्या है कि सीपेज पानी हो रहा है तो पानी का टेम्परेचर भी है, तो वो पानी का टेम्परेचर भी क्या करेगा, अपने साथ कुछ ना कुछ हीट जो इसने सन की एब्जॉर्ब करी है उसको अपने साथ लेकर जाएगा, और उस हीट को बोलते हम एच आई, एंड दैट हीट इज कॉल्ड एज एडवेक्टिव हीट। उस हीट को बोलते हैं एडवेक्टिव हीट, दैट हीट इज कॉल्ड एज एडवेक्टिव हीट। तो एडवेक्टिव हीट क्या होती है, वो हीट रेडिएशन जो भी सोलर रेडिएशन जो लेक ने एब्जॉर्ब किए उसका वो हिस्सा जो सीपेज के कारण लॉस्ट हो जाता है उसको हम बोलते हैं एडवेक्टिव हीट। तो ध्यान से देखिए, जो हीट एब्जॉर्ब करी वो किस किस पार्ट में आपकी यूज हुई, सबसे पहले सराउंडिंग एयर का टेम्परेचर चेंज करने में, कुछ हीट ग्राउंड में चली गई, कुछ हीट सीपेज के कारण लॉस्ट हो गई, और जो कुछ हीट एनर्जी है, ध्यान सुनिएगा, जो कुछ हीट एनर्जी है वो क्या करेगी, जो कुछ हीट एनर्जी है वो क्या करेगी, जो सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स को वेपर में चेंज करेगी। कुछ हीट क्या करेगी, कुछ हीट जो सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको वाटर सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल्स को वेपर में चेंज करेगी। मतलब अगर दूसरे शब्दों में बोलूं कि वो हीट जो इवेपोरेशन में यूज होती है, वो हीट जो सरफेस के वाटर मॉलिक्यूल को वेपर में कन्वर्ट कर देती है, मतलब जो हीट इवेपोरेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसको बोलते हैं हम एच ई, और दिस एच ई इज नथिंग बट कॉल्ड एज लेटेंट हीट। इस एच ई को बोलते हैं लेटेंट हीट। बचपन में आपने कभी पढ़ी होंगी बातें कि सेंसिबल हीट का क्या होती है, इट इज दैट हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर। और आपकी जो सेंसिबल हीट के बाद जो लेटेंट हीट होती है वो हीट होती है जो वाटर मॉलिक्यूल को वेपर्स में कन्वर्ट करती है, मतलब जो किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करती है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। और वो हीट जो बेटा क्या करती है, वो हीट जो बेटा क्या करती है, जो किसी भी मैटर के टेम्परेचर को चेंज कर देती है उसको हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। उसको क्या बोलते हैं, सेंसिबल हीट। तो जो टोटल एच एन रेडिएशन आए उसने कुछ ने तो टेम्परेचर चेंज करा सराउंडिंग एयर का, कुछ हीट ने इवेपोरेशन कराया, कुछ हीट ग्राउंड में लॉस्ट हो गई ड्यू टू द कॉन्टेक्ट, कुछ हीट सीपेज के कारण लॉस्ट हो गई, और जो बाकी हीट थी वो रिमेनिंग जो बची हुई हीट थी वो क्या हुई बेटा, वो इस रिजर्वायर इस लेक के पानी के अंदर स्टोर हो गई, और उसने इस लेक और पानी के जो अंदर वाला पानी है उसके टेम्परेचर को बढ़ा दिया। दिस इज द स्टोर्ड हीट। जो हम डीप रिजर्वायर में पढ़ रहे थे ना, हीट स्टोर हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एस एच एस, दैट इज कॉल्ड एस एच एस। बात समझ में आ रही है क्या? तो अगर अपन इन सारी वैल्यू की बात, अगर हम इन सारी जो हमने बातें करी है एच ए एच ई, अगर हम इसको लिख लें, अगर हम लिख लें तब जाके समझ में आएगा, नहीं तो कचड़ा बन जाएगा। हमने एच ए क्या लिखा है, हमने एच ए लिखा है, एच ए इज द हीट रेडिएशन, लिख लीजिए एच ए इज द हीट रेडिएशन, इट इज द हीट रेडिएशन, इट इज द हीट विच, इट इज द हीट विच चेंजेस, बचपन में इंटरव्यू में पूछी जाती है ये बात, इट इज द हीट विच चेंजेस द, इट इज द हीट विच चेंजेस द टेम्परेचर, इट इज द हीट विच चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर, विच चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, विच चेंजेस द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर। इसी तरीके से हम पूछें एच ई क्या है, तो आप एच ई बोलेंगे इट इज द हीट, इट इज द हीट, इट इज द हीट विच चेंजेस, इट इज द हीट विच चेंजेस, विच चेंजेस द वॉटर मॉलिक्यूल्स, इट इज द हीट विच चेंजेस द वॉटर मॉलिक्यूल्स टू वॉटर मॉलिक्यूल्स टू वॉटर वेपर्स, वॉटर मॉलिक्यूल्स टू वॉटर वेपर्स। अगर आसान शब्दों में बोलें तो लिखेंगे इट इज द हीट, इट इज द हीट required, it is the heat required for evaporation, ये वो heat है जो evaporation के लिए required होती है, उसको हमने बोला HE, HE is the sensible heat, it is the heat which is required for changing the temperature, तो अगर हम बोलें जो change in temperature के लिए responsible होती है उसको कौन सी heat कहते हैं, sensible heat, this heat is called as sensible heat,
और इस सेंसिबल हीट को निकालना बेटा बहुत ज्यादा मुश्किल है। निकालने का मतलब इसको मेजर करना मुश्किल रहता है। सेंसिबल हीट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी मेजर्ड। लेकिन जो हमारी ये हीट होती है जिसको हम बोल रहे हैं, जो कि इवेपोरेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, इस हीट को बोलते हैं हम बेटा लेटेंट हीट। दिस हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। दिस हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से और भी हमने हीट के बारे में बेटा बातें करी, और भी हमने हीट के बारे में बातें करी। जैसे हमने लिखा था, अगर आप लेक की तरफ देखें, हमने एक और हीट लिखी थी, दैट इज कॉल्ड एज एच आई। हमने लिखा था बेटा एच आई, तो व्हाट इज एच आई, ये सब याद रखना बेटा। एच आई क्या है, व्हाट इज द एच आई, एच आई इज कॉल्ड एज एडवेक्टिव हीट। एच आई इज कॉल्ड एज एडवेक्टिव, एच आई इज कॉल्ड एज एडवेक्टिव हीट। That is the heat lost due to seepage. That is the heat energy. That is the heat energy. That is the heat energy lost. That is the heat energy lost due to seepage. Seepage के कारण जो heat lost होती है उसको हम बोलते हैं बेटा advective heat. इसी तरीके से हम पूछे HG क्या है? What is HG? अगर आपने पीछे देखा होगा HG, तो HG क्या है? It is the heat which is given to the ground. It is the heat energy which is given to ground. इसी तरीके से अगर पूछे HS क्या है? What is HS? तो आप बोलेंगे it is the heat which is stored. तो आपने सारी की सारी हीटें समझ में आ गई। लेटेंट हीट क्या होती है, एडवेक्टिव हीट क्या होती है, हीट गिवन टू द ग्राउंड क्या है, HS। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे पीछे वाले डायग्राम को, तो अगर मैं इस रिजर्वायर में जितनी हीट आई, उस हीट का अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालूं, अगर मैं इस लेक के लिए अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालूं, तो इस लेक के लिए अगर आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालेंगे तो क्या लगाएंगे? देखिए, now using conservation of energy for lake. Lake के लिए conservation of energy, तो energy देखो कहा, energy can neither be created nor be destroyed। तो आप देखेंगे total energy आई कितनी, HN। total energy आई कितनी बेटा HN। तो मैंने लिख दिया कि जो incoming radiations थे वो कितने HN थे, और ये incoming radiation किस किस में use हुए देखो जरा, अगर आपको दिखता हो। सबसे पहला किस में use हुआ, सबसे पहले तो surrounding air के temperature बढ़ाने में, इवेपोरेशन कराने में, ग्राउंड में जाने वाली एडवेक्टिव हीट प्लस जो हीट स्टोर्ड हुई। इतनी हीट तो और कहीं हीट थोड़ी ना गई बेटा, और कहीं हीट तो गई नहीं। तो जो टोटल नेट रेडिएशंस आए जो हमने पीछे से निकाल लिए थे, वो सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट प्लस एडवेक्टिव हीट प्लस साथ में कौन सा, द हीट विच इज लॉस्ट टू द ग्राउंड प्लस द हीट विच इज स्टोर्ड इन द रिजर्वायर। तो आप ये लिख देंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि जो नेट रेडिएशंस थे, जो कि मुझे जिसकी वैल्यू पता थी, वो किसके बराबर है, दैट विल बी इक्वल टू एच ए प्लस एच ई प्लस एच आई प्लस एच जी प्लस एच एस। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। फिर मैंने अभी आपको एक बात बताई कि जो देखो एच आई हमें पता होता है, एच जी हमें पता होता है, एच एस हमें पता होता है ना। हमें जो मेन मकसद है वो हमारा सेंसिबल हीट है, क्योंकि इस सेंसिबल हीट को मेजर करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। यस और नो, मैंने क्या बोला, द सेंसिबल हीट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी मेजर्ड। ध्यान सुनते जाइए बस, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम इस मेथड से निकालते हैं। मैंने क्या बोला, सेंसिबल हीट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी मेजर्ड, इज वेरी डिफिकल्ट। सेंसिबल हीट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी मेजर्ड। मेजर्ड लिख रहा हूं, एस्टिमेट नहीं लिख रहा हूं। Is very difficult to be measured. Measure नहीं की जा सकती, लेकिन estimate तो की जा सकती है ना। तो sensible heat HA is very difficult to be measured, but it is easily estimated
using a ratio, it can be easily estimated using a ratio called as मैंने कहा कि इस सेंसिबल हीट को आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन इस सेंसिबल हीट को आप एक रेशियो के द्वारा माप एस्टीमेट जरूर कर सकते हैं, एंड दैट रेशियो इज कॉल्ड एज बॉबिन्स रेशियो. दैट रेशियो इज कॉल्ड एज बॉबिन्स रेशियो, और इस बॉबिन्स रेशियो को हम डिनोट करते हैं किससे, बीटा से. सो व्हाट इज बॉबिन्स रेशियो, ध्यान से देखिएगा बॉबिन्स रेशियो क्या होता है उसको भी देख लेते हैं. What do you mean by Bobbins ratio? ये जो Bobbins ratio होता है, that beta is equal to this Bobbins ratio, beta will be equal to beta HA, beta will be equal to HA divided by HE, HA divided by HE. अगर अपन पूछें HA क्या है, तो आप बोलेंगे HA है sensible heat, HA is the sensible heat. और अगर अपन पूछें कि बताओ बेटा HE क्या है, तो आप बोलेंगे HE is called as latent heat. हमने क्या बोला कि HA is called latent heat. तो हमें बॉबन रेशियो की वैल्यू पता होती है. हम कैसे निकालते हैं बॉबन रेशियो की वैल्यू, आगे बताऊंगा. अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल HA निकालना है सेंसिबल हीट, तो मुझे बॉबन रेशियो पता होना चाहिए, और मुझे कौन सी हीट पता होनी चाहिए, लेटेंट हीट पता होनी चाहिए. एक तो मुझे सेंसिबल हीट पता होनी चाहिए और लेटेंट हीट पता होनी चाहिए. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सॉरी लेटेंट हीट को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है. ध्यान से देखिए, एंड एच ई कैन बी इजली मेजर्ड. हम एच ई को आसानी से मेजर्ड कर लेते हैं, और कैसे निकालते हैं एच ई को, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को मेजर करते हैं, और उसके बाद लेटेंट हीट को निकालते हैं. एच ई इज इक्वल टू रो इन टू एल, H E is equal to rho into L into E L, rho into L into E L से हम लोग निकाल लेते हैं लेटेंट हीट. जहां पर अगर हम बात करें रो क्या चीज है, रो इज द डेंसिटी ऑफ वॉटर. ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, थोड़ा पेशेंस की तरफ पढ़िए. तो आपका रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वॉटर. अगर हम पूछें ई एल क्या है, ई एल इज कॉल्ड एज रेट ऑफ इवेपोरेशन, ई एल इज कॉल्ड एज रेट ऑफ इवेपोरेशन, है ना. और अगर हम पूछें बेटा L क्या है, दिस L इज कॉल्ड एज लेटेंट. पानी का है बेटा ये, हर एक लिक्विड का अलग अलग होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या है, कि वो हीट जो कि किसी को भी, वो हीट जो किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. और इस लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जो वैल्यू आती है, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जो वैल्यू होती है, लगभग पानी के लिए लगभग इसकी वैल्यू होती है 260, पानी के लिए 260 किलो जूल पर केजी. मतलब अगर आपको पानी को जो है वेपर में चेंज करना है, तो लगभग 260 किलो जूल एनर्जी चाहिए अगर 1 kg ऑफ वाटर है. तो अगर आपने आपने जो लेटेंट हीट निकाल ली रो इंटू एल इंटू ई एल से, तो आप जो है क्या करेंगे, आप इक्वेशन नंबर 2 को यूज करिए. मैंने इसकी वैल्यू यहां मिल गई मुझे, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज करें, तो बॉबिन्स रेशियो विल बी इक्वल टू, सेंसिबल हीट मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे बेटा लेटेंट हीट मिल गई क्या, रो इंटू एल इंटू ई ए, ये मिल गया क्या, लेकिन मुझे अभी बॉबिन्स रेशियो नहीं मिला है. तो देखो बॉबिन्स रेशियो कितना होता है, बॉबिन्स रेशियो होता है 6.1 × 10⁻⁴ multiplied by tw minus ta divided by es minus ea. तो अगर आपको ये बॉबिन्स रेशियो का, अगर आपको बॉबिन्स रेशियो की इक्वेशन पता है, आपने जो है लेटेंट हीट निकाल ली है, तो आप बॉबिन्स रेशियो निकालिए, उसको रो एल इंटू ई एल से मल्टीप्लाई करिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, तब आपको जो है सेंसिबल हीट मिल जाएगी. तो आप पूछोगे सर एक चीज निकाल रहे हैं तो एक और चीज आ जा रही है ना. तो आप ये बताइए सर ये क्या चीज है, तो चलो ये भी बता देते हैं. हम बताते हैं पी ए क्या है, वॉट इज पी ए. पी ए इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर. ये तो पता ही होगा बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी भी जगह का कितना है.
पीए बैरोमीटर से नाप लेंगे। पीए इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर, पीए इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि किस यूनिट में रखना है, इंपॉर्टेंट है यूनिट में रखना। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर को हम रखेंगे एमएम ऑफ एचजी में। फिर आप बोलोगे सर ये जो आपका टीडब्ल्यू है वो क्या है, व्हाट इज टीडब्ल्यू? टीडब्ल्यू इज द टेम्परेचर ऑफ वॉटर सरफेस, टीडब्ल्यू इज द टेम्परेचर ऑफ, टीडब्ल्यू इज द टेम्परेचर ऑफ वॉटर सरफेस। ये जो वॉटर सरफेस है ना इसका टेम्परेचर कितना है ना, वो भी आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन याद रखना किस डिग्री में, किस यूनिट में, डिग्री सेल्सियस में। फिर आप बोलोगे सर ये टी ए क्या है, वॉट इज टी ए? तो टी ए इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर, टी ए इज द टेम्परेचर ऑफ, टी ए इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर, टी ए इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, अरे क्या हो रहा है बेटा ये इसको रफ कर देते हैं, टी ए इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर, टी ए इज द टेम्परेचर ऑफ, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर, किस यूनिट में, डिग्री सेल्सियस में। फिर आप बोलोगे सर एक और चीज भी तो रह गई, दैट इज कॉल्ड एज ई एस एंड ई ए। और ई एस और ई ए के नाम तो आपने पहले भी सुने होंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड एज सेचुरेटेड वेपर प्रेशर एंड एक्चुअल वेपर प्रेशर, किस फॉर्म में, इन एम एम ऑफ एच जी। पीछे सुने ना नाम, ये मेयर्स इक्वेशन में, डेल्टन्स इक्वेशन में। तो आपको टेम्परेचर सरफेस वाटर का पता होगा, टी ए पता होगा, ई एस पता होगा, ई ए पड़ा होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर पता होगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा आ जाएगा, और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वाटर की लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और ई एल से, तब जाके आपको एच ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई कि हम बॉबिन्स रेशियो से सेंसिबल हीट निकाल लेते हैं। जैसे ही सेंसिबल हीट मिली इसकी वैल्यू हम रख देंगे इक्वेशन नंबर वन में। जैसे ही हमें सेंसिबल हीट मिली, ये जो सेंसिबल हीट मिली इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन वन, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन वन। तो जब आप इक्वेशन वन में रखोगे तो ध्यान से देखो, हमने लिखा था क्या, एच एन इज इक्वल टू एच ए प्लस एच ई प्लस एच आई प्लस एच आई प्लस एच एस प्लस एच जी, यही तो लिखा था, या सोनो? तो यहां से मुझे निकालना बेटा एच ई, क्या निकालना, एच ई। तो मैंने लिख दिया एच ई प्लस एच ए इज इक्वल टू, इन सबको इधर ले गया, इज इक्वल टू नेट हीट ऑफ रेडिएशन माइनस एच आई माइनस एच एस और माइनस एच जी, या सोनो? और आपको पता है एच ए क्या होता है, बीटा टाइम्स ऑफ एच ई। अरे देखो ये देखा नहीं, लिखा नहीं है मैंने, पीछे देखो जरा, मैंने लिखा बॉबिन्स रेशियो इज इक्वल टू एच ए अपॉन एच ई, तो यहां से एच ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा इंटू एच ई। तो अब हम यहां पर लिखेंगे बीटा इंटू एच ई, तो एच ई प्लस बीटा इंटू एच ई विल बी इक्वल टू नेट हीट रेडिएशन जो एब्सॉर्ब किए माइनस जो कॉन्वेक्टिव एनर्जी जो सीपेज के कारण लॉस्ट हो गए, जो स्टोर्ड हुए माइनस जो ग्राउंड में हीट चली गई। तो यहां से जब आप एच ई निकालोगे नेट हीट रेडिएशन, सॉरी दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट, वो आ जाएगी आपकी एच एन माइनस एच आई माइनस एच एस माइनस एच जी डिवाइडेड बाई वन प्लस बॉबिन्स रेशियो। और एच ई की वैल्यू क्या लिखोगे, रो इंटू एल, आपको पता है रो इंटू एल इंटू रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू एच एन माइनस एच आई माइनस एच एस माइनस एच जी और डिवाइडेड बाई कितना, वन प्लस बीटा, डिवाइडेड बाई वन प्लस बीटा। अब आपको क्या ई एल निकालना, जिट इज रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो आप इसको यहां पर डिवाइड कर दो, तो आप ई एल निकालेंगे पिछली वाली इक्वेशन से, तो ई एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू एच एन माइनस एच एस माइनस एच आई माइनस एच जी डिवाइडेड बाई रो इंटू एल इंटू वन प्लस बॉबिन्स रेशियो, यस और नो? तो इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी का हम यूज करके, देखो जरा इसको नीचे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एच एन माइनस एच आई माइनस एच एस माइनस एच डी डिवाइडेड बाई रो एल इंटू बीटा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैसे हम रेट ऑफ इवेपोरेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अब देखो जरा ध्यान से, अगर हमने मान लिया कि अगर आप बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए निकाल रहे हो, फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड,
अगर बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए निकालोगे, बहुत कम समय के लिए निकालोगे, वेर फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो ऑब्वियसली बात है सीपेज तो कुछ देर के बाद होता है ना, तो बहुत शॉर्ट टाइम में अगर आप देखें इस डायग्राम को, बहुत शॉर्ट टाइम में ये जो एनर्जी होगी वो ज्यादा लॉस्ट नहीं होगी। तो मतलब जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए देखेंगे तो ये क्या होगा, लगभग नेग्लिजिबल होगा। इसी तरीके से जो ग्राउंड में एनर्जी आ जाएगी वो भी लगभग क्या होगी, नेग्लिजिबल होगी। तो अगर आप बहुत ही स्मॉल टाइम की बात करेंगे, बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम की बात करेंगे बेटा, तो आपकी जो एनर्जी लॉस्ट होगी एडवेक्टिव हीट की फॉर्म में, और जो है आपकी ग्राउंड में, तो वो होगी बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल। तो एच आई जो है लगभग जीरो, इसी तरीके से एच जी इज लगभग जीरो। तो आप नेट हीट ऑफ रेडिएशन बड़ी आसान फॉर्मूले से निकाल लेंगे कि जितना रेडिएशन आया माइनस जितना स्टोर हुआ, मतलब इतना ही यूज हुआ होगा इवेपोरेशन के लिए, डिवाइडेड बाय रो एल इनटू 1 प्लस बीटा, इतना यूज हुआ होगा इवेपोरेशन के लिए और ऊपर की हवा को गर्म करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग रेट ऑफ इवेपोरेशन निकाल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा कि आपने किस तरीके से हीट एच ई का यूज करके रेट ऑफ इवेपोरेशन निकाल लिया। जल्दी से इसको एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। इस पर सवाल जो है ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर मैं इस टॉपिक को छोड़ देता ना, तो बच्चे बाद में बोलते सर मैं बुक से पढ़ रहा था, वहां पर मेरे को समझ में नहीं आया, आपने वो टॉपिक छोड़ दिया क्योंकि सर आपको भी नहीं आता। उस लिए ताकि आपके दिल को तसल्ली मिल जाए, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है ना, तो आपको थोड़ा सा एक क्लियरिटी आई होगी। लेकिन इस पर एग्जाम में सवाल पूछे नहीं जाएंगे, दिख रहा है आप कितना खतरनाक चीज है ना, इसमें कभी भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन इसको पढ़ने के बाद कुछ चीजें आपको समझ में आई, जैसे कि भाई साहब बचपन में जो लेटेंट हीट पड़ी थी वो क्या होती है, सेंसिबल हीट पड़ी थी वो क्या होती है, कैसे रिजर्वायर में हम एनर्जी बैलेंस लगाकर हम रेट ऑफ इवेपोरेशन निकाल लेते हैं। तो हमने सारी हीट लगाई दिखाई, उसके बाद हम एडवेक्टिव हीट क्या होती है, छोटे छोटे टेक्निकल टर्म जो हैं वो हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाएं कि एडवेक्टिव हीट क्या होती है, इट इज द हीट विच इज लॉस्ट ड्यू टू सीपेज। सेंसिबल हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट में रिलेशन क्या होता है, बॉबिन्स रेशियो क्या होता है। तो इसको पढ़ाने के बाद आपको कुछ टेक्निकल टर्म समझ में आए, जो इनमें से कुछ टेक्निकल टर्म्स एग्जाम में पूछे गए। अगर मैं आपको डायरेक्ट रटाता ये सारे टेक्निकल टर्म्स, तो इनको रटना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन एक बार आपको कहानी समझ में आ गई कि होता क्या है, तब आप इन टेक्निकल टर्म्स को रट लेंगे। और ये जो बॉबिन्स रेशियो है ना बेटा, इस बॉबिन्स रेशियो का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि एक दो एग्जाम में इस पर न्यूमेरिकल पूछा गया है। अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा, ज्यादा मुश्किल है नहीं। टी डब्ल्यू माइनस टी ए डिवाइडेड बाई ई एस माइनस ई ए मल्टीप्लाइड बाई पी ए इंटू 6.1 इंटू 10 टू द पावर -4। बॉबिन्स रेशियो की अगर अपन यूनिट पूछें तो बेटा कितनी यूनिट आएगी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ बॉबिन्स रेशियो। बॉबिन्स रेशियो एक एक एच ए बी हीट है और एच ई बी हीट है, तो हीट से हीट कटेगा, तो बॉबिन्स रेशियो इज ए डायमेंशन लेस टर्म, तो इसकी कोई यूनिट होती नहीं है। और इसमें जो जो टर्म है वो मैंने आपको बता दिए किस तरीके से हम जो रेट ऑफ इवेपोरेशन इस मेथड से निकालते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट हो तो पूछिए कमेंट सेक्शन में। सर ये एसएससी जेई का बैच है क्या बेटा? ये तो हम जो है इतना सब कुछ पढ़ा रहे हैं जिसमें आप जो है गेट के एग्जाम के भी सवाल कर सकते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी कर सकते हैं, उसके बाद जेई एई इनके सवाल तो आपको हलवा लगेंगे, क्योंकि मैं हर एक चीज को इन डेप्थ इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आपको क्या करना है, बिकॉज ऑफ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने होंगे। वो गेट भी देना होगा आपको, इंजीनियरिंग सर्विसेज भी देना होगा आपको, एसएससी भी देना होगा, असिस्टेंट इंजीनियर। तो बेटा जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम ही है ना। अगर एक गेट का बच्चा, गेट के बच्चे को अगर मैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ाऊंगा, उसको भी यही पढ़ाऊंगा,
और अगर मैं एक एसएससी के बच्चे को पढ़ाऊंगा उसको भी यही बताऊंगा, मैं अगर उसको प्रेसिपिटेशन कुछ बताऊंगा कि ड्रिजल ये होता है तो गेट वाले बच्चे के लिए भी तो यही होता है। बस फर्क इतना है एग्जाम्स में कि गेट के एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, आपको न्यूमेरिकल की तरफ ध्यान देना है। और हाइड्रोलॉजी में मैंने बताया है कि गेट में दो चैप्टर्स ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा तीन चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है सबसे। और उन चैप्टर्स में कौन कौन से टॉपिक, पहला चैप्टर से वाटर बजट इक्वेशन, दूसरे चैप्टर्स में थिसेंस पॉलीगन मेथड, एवरेज डेप्थ निकालने के मेथड, तीसरे चैप्टर जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसमें इनफिल्ट्रेशन है ना, और जब हम एक और चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोग्राफ, और एक और चैप्टर है फ्लड्स एंड फ्लड स्लॉटिंग। ये पांच चैप्टर इंपॉर्टेंट जिनसे सिर्फ जो है आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम देंगे, एसएससी का एग्जाम देंगे है ना, आपका जो है असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम देंगे, तो बेटा वो जो है वो एक तरीके से मिनी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन है। आजकल जेई का एग्जाम और एई का एग्जाम बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं। बीटेक वाले स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं, डिप्लोमा वाले नहीं बैठ रहे हैं। तो अगर आप डिप्लोमा से हैं या बीटेक से भी हैं तो आपको अपने आप को बेटा इतना ज्यादा कैपेबल बनाना पड़ेगा कि आपके उस एग्जाम को क्रैक कर सकें, है ना। इतना हम यहां पर पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हम क्विज और लाइव टेस्ट शुरू करेंगे अभी। तो उन क्विज और लाइव टेस्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना ये जो न्यूमेरिक हम जो फॉर्मुलेस पढ़ रहे हैं, जो थ्योरी के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं एई जेई के एग्जाम्स में, वो मैं उन क्विज और वो जो टेस्ट के थ्रू कवर करा दूंगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रहा हूं क्योंकि जब भी पहली चीज पढ़ाई जाती है ना, सबसे पहले कोई चीज पढ़ते हैं उसको हमेशा अच्छे से पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद जब आप फर्स्ट रिवीजन करेंगे तो कुछ चीजें स्किप कर देंगे, फिर आप फिर क्वेश्चन लगाएंगे फिर चीजें स्किप कर लेंगे, तभी जाकर एक फाइनली एक पन्ने के शॉर्ट नोट्स बनते हैं क्या। लेकिन जब आप पहली बार में अच्छे पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन अगर ट्रिकी आ गया तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये जो है फायदेमंद सारे एग्जाम्स के लिए। एच जी को और कोई नेम है, एच जी बेटा मरकरी है, मरकरी। अरे बेटा एच जी जो है हमने जो ये लिखा ना, दैट इज इट इज एम एम ऑफ एच जी, दिस एम एम ऑफ एच जी का मतलब है मरकरी की फॉर्म में, इसको कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों एच जी अलग हैं। ये तो हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं एच जी मरकरी, और यहां पर जो हमने एच जी यूज किया है, ये जो एच जी है इट इज बेसिकली द हीट विच इज गॉन टू द ग्राउंड। जैसे दो लोग आपस में कॉन्टेक्ट में है तो फॉर एग्जाम्पल इनके कॉन्टेक्ट से एक हाथ की हीट दूसरे हाथ में ट्रांसफर हो रही है, उसी को बोल रहे हैं हीट ट्रांसफर टू द ग्राउंड। और अगर इसमें से पानी निकल के आया तो वो पानी भी तो कुछ हीट लेकर आएगा, तो दैट इज कॉल्ड एडवेक्टिव हीट। चलिए और सवाल क्या पूछ रहे हैं, एकदम सही सर, एक प्रॉब्लम है बताओ शिवानी गर्ग, कोई यूनिट नहीं होगी सर, पढ़ाई करने का फोकस नहीं बनता है, कोई टिप्स दीजिए। शिवानी गर्ग देखो जिंदगी में जब मैं हमेशा आपको बताता हूं, अगर थोड़ा सा देखो इतना टॉपिक हमारा खत्म हो गया, पहले टॉपिक में बताइए कोई दिक्कत हो फिर मैं बताता हूं पढ़ाई में मन कैसे लगेगा, है ना। बताता हूं शिवानी आपका भी डाउट बताता हूं मन कैसे लगेगा। राकेश यादव कह रहे हैं नो सर, अभिनंदन कह रहे हैं सर हमारे यहां रेनफॉल हो रहा है जो नेट स्पीड को इफेक्ट कर रहा है, तो हमारे यहां रेनफॉल हो रहा है जो नेट स्पीड, कौन सी स्पीड, नो सर क्लियर, थैंक यू सर फॉर योर बेस्ट हाइड्रोलॉजी क्लासेस, सर पढ़ने में मोटिवेशन नहीं आता क्या कर रहे हैं। अरे शिवानी बेटा आप उस दिन भी आई थी, आपका पढ़ने में मन पता क्यों नहीं लगता है, आपका बेटा पढ़ने में मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आपको पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा है। देखो आज हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, क्यों व्हाट्सएप चला रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप में मुझे मजा आ रहा है। लोग टिकटॉक चला रहे हैं, क्यों टिकटॉक पर मुजरा कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि टिकटॉक पर उन्हें क्या आ रहा है, मजा आ रहा है। तो हम बेटा वही सारी चीजें करते हैं जिसमें हमें मजा आता है, हम क्रिकेट खेल रहे हैं क्योंकि हमें क्रिकेट खेलने में मजा आ रहा है, लेकिन हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पढ़ाई करने में मजा नहीं आ रहा है। और जब तक आपको मजा नहीं आएगा तब तक आपको पढ़ाई में दिल नहीं लगेगा, और दिल पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है, दो कारण है, या तो आप एक अच्छे तरीके से किसी अच्छे मेंटर से पढ़ नहीं रहे, एक अच्छे टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं। एक कारण तो यह है कि आपका जो टीचर है वो आपको डिमोटिवेट कर रहा है, आपको जो है कॉन्सेप्ट्स को बिगाड़ रहा है, जिसके कारण आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, एक कारण तो यह है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपकी टीचर तो अच्छा पढ़ा रहा है लेकिन दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में ही बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हो, व्हाट्सएप है, फेसबुक है ना, और भी कई सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वो सारे डिस्ट्रैक्शंस हो जो कि आपको पढ़ाई करने से रोक रहे हैं, है ना, घूमने जाना हो, मूवी जाना हो, ये सारे क्या हैं, आपकी पढ़ाई को रोकने वाले डिस्ट्रैक्शंस हैं, यस और नो। तो डिस्ट्रैक्शंस के कारण आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था अब भी बता रहा हूं। देखो YouTube पर मोटिवेशनल वीडियोस देखकर अगर आप मोटिवेट होते हैं
तो वो केवल एक दिन होंगे, 2 दिन होंगे, उसके बाद आप बिल्कुल लचर हो जाएंगे, आप जो है बेटा तैयारी नहीं कर पाएंगे, यस और नो? तो मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूं कि जो मोटिवेशन होता है बेटा वो अंदर की तरफ होता है, मोटिवेशन इज ऑलवेज फ्रॉम इनसाइड। मोटिवेशन ऐसा होता है ना कि हमारे दिल में किसी, हमारे जिस्म के अंदर कुछ करने की ऐसी आग लगी होती है कि जब तक वो मैं कर नहीं लूंगा, जब तक मैं कर नहीं लूंगी, तब तक मैं चैन के साथ नहीं बैठने वाली, जब तक मैं चैन के साथ नहीं बैठने की। और उसके लिए, स्टे मोटिवेटेड रहने के लिए मैंने एक ही यंत्र बताया है, एक ही फंडा बताया है कि आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको अपनी जिंदगी में करना क्या है। क्या आपको अपनी जिंदगी में एक 5,000 रुपए की नौकरी करनी है? क्या आपको अपनी जिंदगी में जो है रिक्शा चलाना है? क्या आपको अपनी जिंदगी में सिंगर बनना है? क्या आपको अपनी जिंदगी में एक बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है? क्या आपको अपनी जिंदगी में एक PSU में जॉब चाहिए? ये डिसाइड आपको करना है कि आपको जिंदगी में करना क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो गोल ही डिफाइंड नहीं होता। पहले आपको बेटा गोल को डिफाइन करना है। अगर आपने अपना गोल डिफाइन कर लिया, तब आप उसके बाद आगे बढ़ते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। तो सबसे पहले शिवानी आप ये डिसाइड करिए कि आपका गोल क्या है। सबसे पहले अपना गोल बनाइए, और गोल बनाने के बाद आप क्या करिए, गोल की तैयारी करिए। गोल को पाने के लिए आप क्या करिए, तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए। और तैयारी करते समय एक अच्छा मेंटर का यूज करिए, एक अच्छे मेंटर का यूज करिए। वो अच्छा मेंटर होगा तो अच्छा सिखाएगा, फिर आपका मेंटर कहेगा इसको रिवाइज करना, इस पर क्वेश्चन करना। तो जब आप उसको रिवाइज करेंगे, उस सब्जेक्ट को जब आप फिर से बार बार रिवाइज करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो बेटा शिवानी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आपको परेशान करेंगे। हो सकता है आप भी परेशान करते हो, है ना, आपको मजा नहीं आता होगा। तो आप सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को कैसे खत्म करेंगे? आपने एक गोल बना लिया, उस गोल को हर हाल में पाना है। जब तक पा नहीं लूंगा, जब तक पा नहीं लूंगी, चैन से बैठने वाली नहीं हूं मैं। तो फिर आप जो भी काम करेंगे, जैसे आप खाना खा रहे हैं 2 घंटे तक, आप मूवी देखने जा रहे हैं 3 घंटे तक, आप किसी से मिलने जा रहे हैं, आप सो रहे हैं 10-10 घंटे तक, आप कुछ भी कर रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो उस काम को करने से पहले आप खुद से एक सवाल पूछेंगे, क्या ये काम मुझे मेरे गोल तक लेकर जा रहा है? क्या ये काम मुझे मेरे गोल तक लेके जा रहा है? क्या 10-10 घंटे तक मैं सो रहा हूं तो क्या सो रही हूं, क्या ये मुझे मेरे गोल तक लेकर जा रहा है? अगर 10 घंटे सोना मुझे मेरे गोल तक लेकर जा रहा है, तो मैं 10 घंटे सोऊंगा, 10 घंटे सोऊंगी। और अगर मुझे जो है 3 घंटे मूवी देखना अगर मुझे मेरे गोल तक लेकर जा रहा है, तो मैं 3 घंटे मूवी देखूंगा, 3 घंटे मूवी देखूंगी। अगर वो मेरे गोल तक नहीं लेकर जा रहा है, तो मैं कभी भी उस काम को करने वाला नहीं हूं, कभी भी उस काम को करने वाली नहीं हूं। तो इस तरीके से आप हमेशा स्टे मोटिवेटेड रहिए। और इंटरेस्ट कैसे आएगा आपको पढ़ाई में? चीजों को बेटा थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाइए। जैसे बॉबिन्स रेशियो है, ये थोड़ी सी लंबी टॉपिक है, तो आप बढ़िया से इसको कहानी की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कहानियों की फॉर्म में करिए, इंटरेस्ट बनाकर करिए, क्योंकि बेटा जब तक जिंदगी में इंटरेस्ट नहीं होगा कुछ करने का, तब करेंगे नहीं। आप डिसाइड करिए पहले कि आपको करना क्या है लाइफ में, लाइफ का गोल डिफाइन करिए, स्टे मोटिवेटेड रहिए और हमेशा खुश रहिए, क्योंकि खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर फालतू का लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक एग्जाम होता है, ये जिंदगी नहीं होती है बेटा। ये जो छोटे छोटे एग्जाम्स हैं, ये जिंदगी में आने वाली मुश्किलें हैं, इनको हमें उन पड़ाव है, इनको हमें पार करना होता है, ये जिंदगी नहीं है। एक एग्जाम नहीं निकलेगा तो दूसरा एग्जाम निकलेगा, दूसरा नहीं निकलेगा तो तीसरा निकलेगा। एक दरवाजा बंद होता है तो 100 दरवाजे खुलते हैं, 100 अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। बस खुद से ये भरोसा दिलाना है कि मुझे जो है बिल्कुल निडर होकर, बिल्कुल कूल होकर, कितनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि एग्जाम से जब बाहर निकलूं तो मेरे मुंह से ये आवाज ना निकले कि काश मैंने जो है 2 महीने पढ़ लिया होता तो आज मेरा पेपर अच्छा हो गया होता, पेपर बिल्कुल बुक से आया था। तो ये बात याद रखिएगा, आप जो है बिल्कुल सफल होंगी, मेरी विशेष आपके साथ है। चलिए जरा, तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं बेटा, आगे की क्लास शुरू करते हैं। कुछ कह रहे हैं सर इंटरनेट, हाँ हाँ टिकटॉक, तो सर आपके साथ हाइड्रोलॉजी पढ़ने में ज्यादा क्लियरली समझ में आ रहा है। बेटा अभी हम जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ना, क्योंकि देखो मैं भी कभी एक स्टूडेंट था और मैंने भी कुछ टीचर्स से पढ़ा, कुछ टीचर्स मुझे अच्छे मिले, कुछ टीचर्स अच्छे नहीं मिले, तो मैं आपकी फीलिंग्स को समझता हूं कि भाई साहब पढ़ाया कैसे जाता है। मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं समझता हूं कि एक स्टूडेंट को किस तरीके से चीजें समझ में आएंगी। जब आप उसको डेली लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो वो चीजें समझ में आएंगी। तो आपको मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आप सवाल दुनिया भर के लगाएंगे,
सारे सवाल हो जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा सवाल करिए, सिलेक्शन के पास पहुंचते जाएंगे। चलिए अब इतनी हमारी बात हो गई, किसी दिन हम जो है बातें भी करेंगे। बातें करने के लिए हम जो है चिट चैट का एक जो है लाइव सेशन करेंगे, जहां पर हम आपकी और भी बातें सुनेंगे, और भी प्रॉब्लम सुनेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड नई लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस भी बताएंगे। तो अभी हम पढ़ाई कर लेते हैं, बाकी बातें हम जो है बाद में करेंगे। समझ में आ रही बात? तो हम लोग एक सेशन रख लेंगे चिट चैट करने का, जब आप बिल्कुल थक जाए पढ़ाई करने से, तब हम एक सेशन रख लेंगे और उस सेशन में हम चिट चैट करेंगे, कुछ बातें करेंगे, आपकी सुनेंगे, आप हमारी सुनेंगे। समझ में आ रही बात? तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बातें बहुत हो गई बेटा, मोटिवेटेड रहिए। और कुछ भी करना आसान है इस दुनिया में, बस बच्चे को मेहनत करनी है, डेडिकेशन से पढ़ना है, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। चलिए जरा, तो हमने ये बताया कि हम जो है एनालिटिकल मेथड्स कर रहे थे, उसमें हमने वाटर बजट मेथड कर लिया था और हमने जो है एनर्जी बैलेंस मेथड कर लिया था। और वाटर बजट मेथड में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज करते हैं और एनर्जी बैलेंस मेथड में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करते हैं। हमने इस तरीके से सारी एनर्जी जो आई उनका हमने कंजर्वेशन करके हमने जो इक्वेशंस डिराइव करी। हमने पढ़ा सेंसिबल हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, एडवेक्टिव हीट क्या होती है ना हमारी, इन पर रिलेशन निकालकर हमने बॉबिन्स रेशियो के बारे में पढ़ा। और यहां पर हमारा जो है ये टॉपिक यहां पर समाप्त हो गया। इस तरीके से हम इवेपोरेशन को मेजर करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इवेपोरेशन। एक आखिरी टॉपिक इवेपोरेशन में बता देता हूं, उसके बाद हमारा जो पहला एब्स्ट्रैक्शन है, जो हमने एब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन पढ़ रहे हैं, उसका पहला टॉपिक हमने समाप्त कर लिया। ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी से देख लीजिए, थ्योरेटिकल टॉपिक है, उसको करके हम नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इवेपोट्रांसपायरेशन। सुनिए जरा, रिडक्शन इन इवेपोरेशन। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल कोई स्विमिंग पूल बनाया, आपने क्या किया, कोई स्विमिंग पूल बनाया। अब दिक्कत क्या है, स्विमिंग पूल में तो बहुत स्वच्छ पानी है आपका, है ना, तो आपने स्विमिंग पूल बनाया, इसमें बहुत स्वच्छ पानी है, लेकिन सोलर बाबा क्या कर रहे हैं, जो हमारे ये सोलर रेडिएशन है वो क्या कर रहे हैं, इसको रेडिएशन दे रहे हैं, पानी को एनर्जी मिल रही है और दन दना दन उड़ता जा रहा है। पता लगा कि एक दो दिन में जो है स्विमिंग पूल ही क्या हो गया, खाली हो गया। तो हम नहीं चाहते कि इवेपोरेशन क्या हो, ज्यादा हो। ऐसी फॉर एग्जाम्पल कोई फॉर एग्जाम्पल लेक है, लेक का पानी जो है साफ होता है, स्वच्छ होता है, तो उस पानी को लोग यूज भी कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लेक में, रिवर में, कहीं पर भी पानी स्टोर्ड है, उस पानी को अल्टीमेटली हमें यूज करना है। लेकिन अगर वहां पर इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो होगा क्या, रिजर्वायर का पानी दन दना दन उड़ता जाएगा, है ना, आपका हर जगह लेक का पानी उड़ जाएगा। तो हमारे पास जो अवेलेबल वाटर सरफेस वाटर बॉडीज में है वो कम होगा। जब सरफेस वाटर बॉडीज में पानी कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर जो है ड्रॉट्स आने के चांसेस हैं, पानी की शॉर्टेज होने के चांसेस हैं। इसीलिए हम लोग जो है किसी भी सरफेस वाटर बॉडी से होने वाले इवेपोरेशन को रोकने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि मत जा पानी बेटा, कहते हैं मत जा पानी, हमें इस पानी को पीना है, हमें इस पानी से बर्तन धुलने हैं, हमें इस पानी को यूज करना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। क्योंकि एक बार एटमॉस्फेयर में पानी चला गया फिर तो बेटा प्रेसिपिटेशन के समय ही आएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इवेपोरेशन को रोकने की कोशिश करते हैं, कहते हैं बेटा मत जा, है ना। वो कैसे कैसे रोकते हैं जरा देखिए। जरा जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई स्विमिंग पूल है या फिर कोई रिजर्वायर है, तो हम लोग यहां पर क्या कर देते हैं, इस तरीके से कोई इस तरीके से शेड बना देंगे। हम लोग जब शेड बना देंगे तो सोलर रेडिएशंस आएंगे नहीं, सोलर रेडिएशंस आएंगे नहीं तो ऑब्वियसली बात है इवेपोरेशन कम होगा। कहीं पर लेक है तो लेक के ऊपर हम थोड़ी सी आड़ बना देंगे, छज्जा निकाल देंगे, कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे कि भाई साहब लेक का पानी ज्यादा इवेपोरेट ना हो। तो हम लोग पहला तरीका जिससे हम इवेपोरेशन की रेट या इवेपोरेशन को कम कर सकते हैं, दैट इज बाय प्रोवाइडिंग सरफेस कवर्स। हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर कुछ कवर्स प्रोवाइड कर देते हैं ताकि इवेपोरेशन क्या हो, कम हो। तो दिस इज द फर्स्ट वे बाय विच वी कैन रिड्यूस द इवेपोरेशन। दूसरा क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 लीटर पानी है, आपके पास कितना लीटर पानी है, 10 लीटर पानी है, तो आपके पास 10 लीटर पानी है, 10 लीटर पानी को आप ऐसा करो एक बड़े से टब में रख दो, है ना, ये 10 लीटर पानी को एक या तो आप बड़े से टब में रख दो या फिर एक पतली सी मोकली की, जैसे पतली दो तरीके हैं, या तो आप इतने बढ़िया से टब में इस तरीके से नहाने का पानी है आपका, है ना, आप इसमें नहा रहे हैं, है ना, आपका टब है, इसमें आप नहाते हैं शाम में सुबह में, तो इसमें फॉर एग्जाम्पल 10 लीटर पानी है, 10 लीटर नहीं 50 लीटर पानी है फॉर एग्जाम्पल इस टब में, आप नहाते हैं, एक तो आपने इसमें स्टोर किया। दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास एक पतला सा एक डीप तरीके का डब्बा है, आपने उसमें स्टोर करके रख दिया इसी पानी को, तो आप मुझे बताइए इवेपोरेशन कहां से होगा। वॉल्यूम दोनों का सेम है, एक का जो है, एक का जो सरफेस है वो एरिया बहुत ज्यादा है और एक का सरफेस एरिया क्या है, कम।
तो ऑब्वियसली बात है यहां से इवेपोरेशन क्या होगा, दन दन ज्यादा होगा, तो यहां पर इवेपोरेशन लॉसेस ज्यादा होंगे, यहां पर इवेपोरेशन लॉसेस कम होंगे। तो ये बोला जाता है कि अगर आप इवेपोरेशन लॉसेस को कम करना चाहते हैं तो यू शुड अडॉप्ट द डीप रिजर्वायर्स एज अगेंस्ट शैलो रिजर्वायर्स फॉर सेम वॉल्यूम ऑफ वॉटर। अगर आप समान या सेम वॉल्यूम, सेम आयतन पानी का रखना चाहते हैं तो अगर आप डीप रिजर्वायर को अगर आप यूज करेंगे तब आपका जो है, तब आपका इवेपोरेशन थोड़ा सा सरफेस वाटर रिजर्वायर की तुलना में क्या होगा, कम होगा। तो आपको बात ये समझ में आ गई होगी कि दूसरा तरीका इवेपोरेशन को रोकने का क्या, कि आप गहरे रिजर्वायर्स को यूज करिए, गहरे बर्तनों में पानी रखिए, जिससे आपको इवेपोरेशन होगा क्या बेटा, कम। और पहला क्या है कि आप उसके ऊपर सतह पर आप कुछ सरफेस कवर लगा दीजिए, तब इवेपोरेशन होगा कम। एक और तरीका है बेटा, एक और तरीका है जिससे हम इवेपोरेशन को कम कर देते हैं और उस तरीके को बोलते हैं, ध्यान से देखिए, हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई रिजर्वायर है, अब इस रिजर्वायर में, अब इस रिजर्वायर की डेप्थ कैसे बढ़ाओगे, अब तो ये तो पूरा लेक है, अब इसमें खुदाई थोड़ी करेंगे नीचे, अब खुदाई नहीं कर सकते, कोई सरफेस कवर नहीं प्रोवाइड कर सकते, कोई एरिया नहीं है, तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, इसमें केमिकल्स डाल देते हैं, इस रिजर्वायर्स में डाल देते हैं केमिकल्स। वो केमिकल्स क्या करते हैं बेटा, जैसे ही आप उन केमिकल्स को डालोगे, उनकी डेंसिटी जो है ना, उनकी डेंसिटी पानी से कम होती है, उनकी डेंसिटी पानी से कम होती है और उनके इवेपोरेशन का रेट पानी से क्या होता है, उनके इवेपोरेशन का रेट पानी से क्या होता है, कम होता है। तो वो जैसे ही आप डालोगे तो वो पानी की सतह पर ऐसी पतली सी फिल्म बना लेते हैं, जैसे ही आप डालोगे वो पानी की सरफेस पर ऐसी फिल्म बना लेते हैं, तो जब यहां से रेडिएशन आता है तो ये फिल्म क्या करती है, इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब रेडिएशन को यहां पर अगर कुछ एनर्जी मिली भी पानी को, पानी का मॉलिक्यूल कह रहा है मैं बाहर जाना चाहता हूं, लेकिन ये फिल्म जो है इसे बाहर जाने देती नहीं है। जब ये वाटर के मॉलिक्यूल जब बाहर नहीं निकलेंगे तो ऑब्वियस ही बात है इवेपोरेशन की रेट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हम कुछ केमिकल्स हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिटाइल एल्कोहल और स्टराइल एल्कोहल। सिटाइल एल्कोहल और स्टराइल एल्कोहल को हम लोग पानी में या रिजर्वायर में हम मिक्स कर देते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे आपका तेल होता है वैसे ही एक फिल्म बना लेते हैं पानी के ऊपर, और वो फिल्म क्या करती है, इवेपोरेशन की रेट को क्या कर देती है बेटा, कम कर दी। तो नाम याद रखना, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है सिटाइल एल्कोहल एंड स्टराइल एल्कोहल, सिटाइल एल्कोहल एंड स्टराइल एल्कोहल, सिटाइल एल्कोहल एंड स्टराइल एल्कोहल, जैसे केमिकल्स का हम यूज करते हैं इवेपोरेशन की दर, इवेपोरेशन की रेट को कम करने के लिए। इसकी कुछ प्रॉपर्टी ये भी पूछी जाती है, ये तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप पानी से ज्यादा डेंसिटी का केमिकल यूज कर लोगे तो वो क्या करेगा, पानी में डूब जाएगा बेटा। अगर पानी से ज्यादा डेंसिटी का यूज कर लोगे, मरकरी यूज कर लोगे, डूब जाएगा। तो उसकी डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि वो सतह पर क्या करे, ताकि वो सरफेस पर तैरने लगे। और दूसरा क्या होना चाहिए, उसका जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होना चाहिए वो पानी से क्या होना चाहिए, कम। अगर इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो पानी से अगर ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली बात है क्या हुआ, यही उड़ जाएगा। तो इसका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होना चाहिए, पानी से कम होना चाहिए। और तीसरी बात क्या, अल्टीमेटली उस पानी को यूज करना है ना, ऐसा नहीं है कि आपने जो है कोई ऐसी ऐसा केमिकल डाल दिया जिससे पानी पीने लायक या किसी और काम करने लायक ही नहीं बचा। तो इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, द डेंसिटी शुड बी लेस, द रेट ऑफ इवेपोरेशन शुड बी लेस फॉर द केमिकल्स विच आर एडिंग इन द रिजर्वायर। तो सिटाइल एल्कोहल और एस्ट्राइल एल्कोहल को हम डालते हैं। एथेनॉल को मत डाल देना बेटा, एथेनॉल कह रहा हूं, ईथर को मत डाल देना, ईथर का नाम सुना है आपने, ईथर, ईथर तो बेटा बहुत जल्दी बेटा इवेपोरेट कर जाता है ना, बहुत वॉलेटाइल होता है ये, तो ईथर वीथर नहीं डालना। आपको दो केमिकल डालने, एक तो सिटाइल एल्कोहल और एक स्टराइल एल्कोहल, इवेपोरेशन की दर को कम करने के लिए। फिर क्या पूछ रहे हैं सर, सर आपके पूछ रहे हैं सर हमें आपके साथ, फिर बोल रहे हैं सर यस सर आप पढ़ाइए, हम सपोर्ट करके पढ़ना चाहेंगे। फिर मिलिंद अग्रवाल यस सर श्योर थैंक यू। सत्य प्रकाश वर्मा कह रहे हैं सर आप इलाहाबाद आए थे ना इस कोचिंग में, हाँ बेटा आए थे हम इस कोचिंग में, जिसका नाम ले रहे हैं हम उसका नाम नहीं ले सकते। इस कोचिंग में क्या, हमने बेटा इंडिया में बहुत सारी कोचिंग्स में जो है हमने पढ़ाया है ना, तो इसलिए आपको जो है बहुत सारी कोचिंग्स में हमने पढ़ाया है। वसु पंडिता कह रहे हैं मतलब सेम वॉल्यूम के लिए डीप वाटर बॉडी में कम इवेपोरेशन होगा, अगर सेम सरफेस एरिया कम तो शैलो वाटर, ऑब्वियस ही बात है, अगर सेम वाटर बॉडी, अगर सेम वॉल्यूम है तो आप जो है सेम सरफेस एरिया का अगर आप रिजर्वायर यूज कर रहे हैं तो उसकी डेप्थ को बढ़ा दीजिए। तो कल भी पढ़ा था हमने कि सरफेस एरिया अगर सेम है और अगर डेप्थ ज्यादा है तो शैलो से इवेपोरेशन ज्यादा होगा और डीप से कम होगा। तो ठीक है बेटा और पढ़िए जरा, है ना, पढ़ने की उम्र थोड़ी ना खत्म हुई है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग में,
और पढ़िए, डेली आइए, अनअकैडमी पर भी आइए, वहां पर हम सॉइल पढ़ रहे हैं, यहां पर हम वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, और दोनों को बिल्कुल इन डेप्थ में पढ़ रहे हैं ताकि आपका कोई भी सवाल छूटे ना। तो दिस इज ऑल अबाउट इवेपोरेशन। ये हमने पहला पार्ट पढ़ लिया बेटा, दैट इज कॉल्ड एज इवेपोरेशन। ये पहला एब्स्ट्रैक्शन था प्रेसिपिटेशन का। अब हम जो है दूसरे एब्स्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इवेपो ट्रांसपायरेशन, दैट इज कॉल्ड एज इवेपो ट्रांसपायरेशन। तो इसको समझाने से पहले, इसकी थ्योरी से पहले पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कहानी बताना चाहता हूं, समझिए जरा। देखो ध्यान सुनो, सबसे पहले आप समझिए ट्रांसपायरेशन क्या होता है। सबसे पहले बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर भी हम बता देते हैं क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं बचपन में उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिली है किसी कारणों से, तो हम बता देते हैं। एक होता है ट्रांसपायरेशन और एक होता है इवेपोरेशन, दो चीजें। इवेपोरेशन तो पढ़ते ही आए हम, लेकिन हमने बताया था इवेपोरेशन को दो फॉर्म में हमें पढ़ना है, एक तो सरफेस वाटर बॉडी से होने वाला इवेपोरेशन और एक जो है कहां से होने वाला, अभी समझ लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान सुनो, ये फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही डेंसली एक एरिया है, ये कोई जंगल है ना, और इस जंगल में यहां पर सॉइल है, यहां पर कोई तालाब है, यहां पर कोई सॉइल है, यहां पर थोड़ा सा कोई रिजर्वायर है, यहां पर कोई लेक है, यहां पर बहुत सारे पेड़ हैं, यस और नो? तो ये एक बहुत ही डेंस, ये एक बहुत ही ज्यादा डेंस जो है आपका, डेंस जो है वेजिटल एरिया है, जहां पर प्लांट्स भी हैं, जहां पर सॉइल भी है, जहां पर छोटे छोटे रिजर्वायर्स भी हैं, जहां पर छोटी छोटी लेक्स भी हैं, यस और नो? तो अब देखो होता क्या है, ध्यान सुनिए, होता क्या है ना कि जो भी आपका रेनफॉल होता है, ध्यान सुनिए, जो भी आपका रेनफॉल होता है या फिर आप आर्टिफिशियल वे में जो भी पानी प्रोवाइड करते हैं इरिगेशन के फॉर्म में, तो वो पानी क्या होता है, वो सॉइल के वॉइड्स में जाकर स्टोर हो जाता है। मैंने क्या बोला कि जो भी आपका बरसात का पानी है ना, तो जो पानी इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, जो पानी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे गया है, वो तो बेटा ग्रेविटी वाटर कहलाता है, लेकिन कुछ पानी सॉइल अपने वॉइड्स के अंदर, कुछ पानी सॉइल अपने वॉइड्स के अंदर कैपिलरी एक्शंस के कारण, ड्यू टू द डिफरेंस इन कोहेजन एंड एडहेजन के कारण, कुछ पानी जो है सॉइल अपने वॉइड्स में रोक लेती है अगेंस्ट द ग्रेविटी। मैंने क्या बोला बेटा, मैंने बोला कि बरसात हुई, बरसात होने के बाद इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ पानी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे चला जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय के बाद जो है, पहले तो सॉइल बहुत गीली थी, लेकिन एक दो दिन के बाद भी ऊपर की जो सॉइल की सतह है वो गीली रहती है। क्यों? क्योंकि जितना पानी था वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी एक दो दिन में निकल जाता है सॉइल के वॉइड से, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, लेकिन कुछ पानी सॉइल अपने वॉइड्स में अगेंस्ट द ग्रेविटी, सॉइल अपने वॉइड्स में अगेंस्ट द ग्रेविटी कैपिलरी एक्शन से, ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन से रोक कर रख देती है, या फिर वो कुछ पानी क्या करती है, एटमॉस्फेयर में जो ह्यूमिडिटी है उस ह्यूमिडिटी से पानी को अपनी सतह पर एड्सॉर्ब कर लेती है, या फिर कैपिलरी एक्शंस के कारण अपने वॉइड्स में होल्ड करके रख लेती है, उस पानी को बोलते हैं कैपिलरी वाटर। और वो पानी जो सॉइल के सॉलिड्स आसपास में जो ह्यूमिडिटी है उसमें जो पानी अवेलेबल है उसको अपनी सतह पर एड्सॉर्ब कर लेती है, उसको हम बोलते हैं बेटा हाइग्रोस्कोपिक वाटर, उसको बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर और ये कैपिलरी वाटर सॉइल के वॉइड्स में अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के खिलाफ रुके रहते हैं, यस और नो? इतनी बात समझ में आई? मैंने कहा जो भी बारिश हुई, वो बारिश या फिर आपने जो भी इरिगेशन का पानी दिया, तो कुछ पानी तो डीप परकोलेट, नीचे परकोलेट या इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा, लेकिन कुछ पानी अंडर द एक्शन ऑफ कैप अगेंस्ट द ग्रेविटी, कुछ पानी सॉइल के वॉइड्स में इस तरीके से रुक जाता है। अब होता क्या है, जो पानी जिस डेप्थ तक पानी जो है स्टोर होता है, वो छोड़ो वो इरिगेशन में बताऊंगा, तो ये इस जोन तक पानी कुछ ना कुछ क्या हो गया, सॉइल के वॉइड्स में अगेंस्ट द ग्रेविटी स्टोर्ड है। अब होता क्या है कि जो प्लांट्स है ना, उन प्लांट्स के रूट्स फैले होते हैं इस तरीके से, प्लांट्स के रूट्स फैले होते हैं, तो प्लांट्स एक प्रोसेस के थ्रू जिसको बोलते हैं बेटा ऑस्मोसिस, जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, उस प्रोसेस के थ्रू ये जो रूट्स हैं वो क्या करते हैं, ये जो सॉइल में जो मॉइस्चर अगेंस्ट द ग्रेविटी रुका हुआ है, इस मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट करती हैं, इस मॉइस्चर को अपनी तरफ खींचती हैं, रूट्स इस मॉइस्चर को अपनी तरफ खींचती हैं, और खींचने के बाद कैपिलरी एक्शन से ये पानी कहां जाता है, ये पानी जो है स्टेम्स के थ्रू लीव्स में जाता है, कहां जाता है ये पानी जो है बेटा कैपिलरी एक्शंस के थ्रू, यहां पर जो लीव्स हैं, यहां पर जो पत्तियां हैं, उन पत्तियों में ये पानी जाता है,
उन पत्तियों में पानी पत्तियों में जाकर जो है खाना बनता है। इस पानी का यूज करके जो है ये जो प्लांट्स हैं, ये जो लीव्स हैं, वो क्या करती हैं, एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस में वो अपना खाना बनाते हैं प्लांट्स, और उस प्रोसेस में क्या करते हैं, जो पानी नीचे से रूट्स ने एक्सट्रैक्ट किया है उस पानी को ये यूज करते हैं, लेकिन उस पानी का थोड़ा ही हिस्सा ये यूज कर पाते हैं, और जो रिमेनिंग हिस्सा है वो प्लांट्स में प्रेजेंट स्टोमेटा छोटे छोटे पोर्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में चला जाता है। मैंने क्या बोला कि जो रिमेनिंग जो कुछ पानी था वो तो रूट से जो पानी कैपिलरी एक्शन से ऊपर गया है उसका कुछ हिस्सा पत्तियों ने फोटोसिंथेसिस में यूज करा, और जो रिमेनिंग वाटर था वो रिमेनिंग वाटर एटमॉस्फेयर में वापस भेज दिया। तो जिस प्रोसेस में पानी लीव्स के थ्रू वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें जिसमें द वॉटर प्रेजेंट इन द लीव्स विल गेट कन्वर्टेड इन टू द वेपर्स थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रांसपायरेशन क्या होता है। इट इज द प्रोसेस थ्रू विच द वॉटर चेंजेस इन टू वॉटर वेपर्स थ्रू द वेजिटेशन। प्लांट्स लीव से पानी का एटमोस्फेयर में जाना ही ट्रांसपायरेशन कहलाता है। अब पानी आता कहां से लीव्स में, वो मैंने आपको ये बात बता दी। अब देखो होता क्या है, जिस तरीके से ट्रांसपायरेशन हुआ उसी तरीके से ये एरिया बहुत ज्यादा डेंस है। ये एरिया क्या है, बहुत ज्यादा डेंस है। तो इस एरिया में जो इस चैनल ये जो लेक है इससे होने वाला इवेपोरेशन जो होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा, या इसके इस प्लांट के आसपास की जो सॉइल है इससे होने वाला इवेपोरेशन जो होगा वो कम, क्योंकि सोलर रेडिएशंस क्या आ रहे हैं यहाँ पर कम। यहाँ पर जो पानी का कोई गड्ढा है इस डेंसली वेजिटेशन वाले एरिया में, जो पानी का गड्ढा है इससे होने वाला इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। तो सिंस द इवेपोरेशन फ्रॉम द एरिया नियर बाइंग द वेजिटेशन इज वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए हम लोग ऐसे इवेपोरेशन को ट्रांसपायरेशन के साथ पढ़ लेते हैं। और जब हम ट्रांसपायरेशन को उस वेजिटल एरिया के आसपास के एरिया, उस आसपास के एरिया में सॉइल का मॉइस्चर भी हो सकता है या छोटी मोटी वाटर बॉडी भी हो सकती है, उस इवेपोरेशन को जब इस ट्रांसपायरेशन के साथ मिलकर पढ़ते हैं तब बनता है इवेपो ट्रांसपायरेशन। मैंने क्या बोला कि व्हेन द ट्रांसपायरेशन व्हिच इज अकरिंग फ्रॉम द प्लांट्स इज स्टडीड इन कंजक्शन विद द इवेपोरेशन व्हिच इज अकरिंग फ्रॉम द नियर बाइंग एरिया ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन के आसपास के नियर बाइंग एरिया से, नियर बाइंग एरिया में जो है आपके छोटा मोटे गड्ढे भी हो सकते हैं उसमें पानी हो सकता है या सॉइल का मॉइस्चर हो सकता है। तो हमने कहा कि किसी भी वेजिटेशनल, हाईली डेंस वेजिटेशनल एरिया के आसपास के एरिया से जो इवेपोरेशन होगा वो, और उन सारे प्लांट से जो ट्रांसपायरेशन हो रहा है वो, इन दोनों को जब हम मिलाकर पढ़ते हैं देन द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इवेपो ट्रांसपायरेशन। तो उसको हम बोलते हैं इवेपो ट्रांसपायरेशन, उसको बोलते हैं इवेपो ट्रांसपायरेशन, मतलब हाँ ये सत्य। हम अब क्या बोल रहे हैं कुछ, गुड मॉर्निंग जीतू, बहुत दिनों बाद आए हैं बेटा आप, है ना, चलिए अच्छी बात है, इंजॉय करिए। फिर आप मैसेज करते हैं हमें कि सर हम बड़े परेशान हैं, हम क्या करें सर, पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रही हमारी, तो नहीं हो रही है पढ़ाई, तो फिर यही होगा, 4 दिन जो है आप गायब रहो, जिंदगी को जो है मजे करो, और उसके बाद एक दिन आओ तो ऐसे ही होगा। चलिए जरा सर एक बार और बताएंगे अभी, मैंने फिर से बता रहा हूं ट्रांसपायरेशन क्या है। ट्रांसपायरेशन सिंपली वेजिटेशन से होने वाला, वेजिटेशन से पानी का वेपर्स में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर में जाना इस कॉल्ड एज ट्रांसपायरेशन। और इवेपोरेशन जो हम ट्रांसपायरेशन के साथ पढ़ते हैं, एक इवेपोरेशन तो हमने एक खुले मैदान में कोई सरफेस वाटर बॉडी है वहां से पानी का लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना इस कॉल्ड एज इवेपोरेशन, वो तो पढ़ लिया हमने। लेकिन ये कौन सा इवेपोरेशन है, ये वो इवेपोरेशन है जो एक डेंसली मतलब बहुत ही ज्यादा ऐसा एरिया जिसमें बहुत सारे वेजिटेशनल, बहुत सारे प्लांट्स हैं, उस प्लांट्स वाले एरिया के प्लांट, जिस एरिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं उस एरिया के आसपास के एरिया से जो भी इवेपोरेशन होगा उसको हम बोलेंगे, उस इवेपोरेशन को हम ट्रांसपायरेशन के साथ पढ़ लेंगे। क्योंकि ये जो इवेपोरेशन होगा सॉइल के मॉइस्चर में से, ये जो इवेपोरेशन होगा छोटे मोटे रिजर्वायर में से, ये बहुत ज्यादा कम होगा, इसलिए हम इसको ट्रांसपायरेशन के साथ
पढ़ लेते हैं। तो याद रखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय इवेपोट्रांसपिरेशन। तो इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है? व्हेन द इवेपोरेशन कौन सा इवेपोरेशन? विच इज अकरिंग इन डेंस वेजिटल एरिया। जो किस एरिया में अकर हो रहा है? एक बहुत ही ज्यादा डेंस वेजिटल एरिया में हो रहा है। इज स्टडीड इन कंजक्शन विद द ट्रांसपिरेशन। जब हम इसको ट्रांसपिरेशन के साथ पढ़ते हैं, then it is called as evapotranspiration। तब हम उन दोनों प्रोसेस को मिला के बोलते हैं evapotranspiration, जिसका दूसरा नाम है consumptive use। तो मुझे बताइए बेटा, जब तक चीज समझ में नहीं आएगी ना, तो आगे बातें समझ में नहीं आएंगी। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि किसी भी वेजिटल एरिया में होने वाला ट्रांसपिरेशन और उसके आसपास के एरिया से होने वाले इवेपोरेशन को जब हम मिलाकर पढ़ते हैं, तब जो प्रोसेस कहलाती है उसको हम बोलते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। तब जो एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है उसको बोलते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। तो आप मुझे बताइए बेटा, इवेपोट्रांसपिरेशन आपको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बताइए, इवेपोट्रांसपिरेशन समझ में आया नहीं आया? तब हम जो है आगे बढ़ेंगे। इवेपोट्रांसपिरेशन आपको समझ में आया या नहीं आया? इवेपोट्रांसपिरेशन समझ में आया नहीं आया? जल्दी से बताइए, कोई डाउट हो तो बताइए, वरना हम जो है आगे बढ़ते हैं। इवेपोट्रांसपिरेशन समझ में आया नहीं आया? आया सर, सबको आ गया समझ में? चलिए बढ़िया। अब देखिए ना, इवेपोट्रांसपिरेशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन, आपने पढ़ा होगा। एक होता है एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन और एक होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। लेकिन ये दोनों बातें तब बेटा समझ में आएंगी जब हम कुछ और बातें, कुछ और कहानियां आपको सुनाएं। जरा देखिएगा ध्यान से, एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन और पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन आपको तब समझ में आएगा जब हम कुछ बातें आपको बताएं। उन बातों को सुनिएगा बेटा ध्यान से, और वो बातें हम इरिगेशन में फिर से पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हमें इवेपोट्रांसपिरेशन पढ़ाना है ना, क्योंकि ये प्लांट से कनेक्टेड है, ये वेजिटेशन से कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली बात है इरिगेशन में तो पढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन अभी जो है जरूरत है, इसलिए हम पढ़ाएंगे, हम रटाना नहीं चाहते हैं। तो सुनिए जरा ध्यान, सुनिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। मैंने आपको बताया, अगर आपको याद हो बेटा, तो तीन तरीके के वाटर होते हैं। ध्यान सुनिएगा, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वाटर, है ना, मेनली जो हम जो है इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी में कंसिडर करते हैं। सबसे पहला वाटर होता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटी वाटर। पहले सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट वाटर इज कॉल्ड एज ग्रेविटी वाटर। व्हाट इज ग्रेविटी वाटर? इट इज द वाटर विच फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। इट इज द वाटर, व्हाट इज ग्रेविटी वाटर? इट इज द वाटर विच फ्लोज अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे आपने पानी सरफेस पे डाला और वो पानी जो है दन दनादन नीचे बहना शुरू कर गया, तो वो किसके इन्फ्लुएंस में नीचे जाने लगा? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ऐसे पानी को बोलेंगे हम ग्रेविटी वाटर। मतलब जो ग्राउंड वाटर रिजर्वायर में जो पानी पहुंचा था ना, आपने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ी थी ना, यहां से पानी इन्फिल्ट्रेट हुआ यहां से और धीरे धीरे परकोलेट करके कहां पहुंच गया? ग्राउंड वाटर रिजर्वायर में पहुंच गया। तो इसका मतलब यहां जो पानी आया होगा, ये जो पानी आया होगा वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आया होगा। तो दिस वाटर इज नथिंग बट कॉल्ड एज ग्रेविटी वाटर। समझ आ रही है बात? तो जो है हम सॉइल में भी पढ़ेंगे, तो तीन तरीके के पानी पढ़ेंगे। एक तो ग्रेविटी वाटर, तो आई होप आपको ग्रेविटी वाटर समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से क्या होता है, जब ये पानी इस तरीके से आपने चाहे इरिगेशन की फॉर्म में दिया, या रेनफॉल की तरफ पानी आया, तो होता क्या है? मैंने अभी बताया कि कुछ पानी सॉइल के वॉइड्स में अंडर द एक्शन ऑफ ड्यू टू द कैपिलरी एक्शंस रोक लेते हैं। ये सॉइल सॉलिड्स हैं, ये कहते हैं यार रुक जाओ यार हमारे पास। होता क्यों है ऐसा? इसलिए होता है क्योंकि एक होता है फोर्स ऑफ एडहेजन और एक होता है फोर्स ऑफ कोहेजन। फोर्स ऑफ एडहेजन क्या होता है? दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स। और फोर्स ऑफ कोहेजन क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स। तो देखो, ये सॉलिड का पार्टिकल, ये सॉलिड का पार्टिकल, ये सॉलिड का पार्टिकल, ये पानी का मॉलिक्यूल। तो जब पानी का मॉलिक्यूल इन सॉलिड पार्टिकल के बीच में से निकलता है ना, तो ये सॉलिड के पार्टिकल इस सॉलिड के पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो कोहेजन। तो जब ये पानी यहां से निकलता है, वॉइड्स में होते हुए निकलता है, ये वॉइड एक तरीके से
तो ये जो सॉलिड है और ये जो सॉलिड है ये कहता है यार हमारे बीच एक और भी तो फोर्स है, दैट इज कॉल्ड एज एडहेजन। वो एडहेजन जो है वो इन दोनों के बीच कोहेजन से बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण जो सॉइल सॉलिड्स हैं वो अपने वॉइड्स के अंदर, सॉइल सॉलिड्स के बीच बने वॉइड्स में कुछ पानी रिटेन करके रख लेते हैं, या फिर कुछ पानी जो है कैपिलरी एक्शंस के कारण राइज भी हो जाता है। तो ये सारा फिनोमेना जो है वो सरफेस टेंशन और फोर्स ऑफ एडहेजन और कोहेजन का है। आपको बस इतना याद रखना है कि जो है जो भी पानी हमारा इरिगेशन में दिया हमने, या फिर जो भी पानी रन ऑफ की फॉर्म में आया, उसका कुछ हिस्सा सरफेस या फोर्स ऑफ एडहेजन और फोर्स ऑफ कोहेजन के डिफरेंस के कारण इन सॉइल सॉलिड्स के वॉइड्स में, सॉइल सॉलिड्स के बीच बने वॉइड्स में रुक जाता है, और उस पानी को हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर, उस पानी को बोलते हैं कैपिलरी वाटर। दिस वाटर इज कॉल्ड एज कैपिलरी वाटर। तो कैपिलरी वाटर क्या होता है? इट इज द वाटर, कैपिलरी वाटर इज द वाटर, कैपिलरी वाटर इज द वाटर विच, कैपिलरी वाटर इज द वाटर विच इज रिटेन्ड इन द सॉइल, विच इज रिटेन्ड इन द सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट रुका रहता है, विच इज रिटेन्ड इन सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी ड्यू टू कैपिलरी एक्शंस। इन कैपिलरी एक्शंस में डिफरेंस इन एडहेजन और कोहेजन आ गया ड्यू टू कैपिलरी एक्शंस, कैपिलरी एक्शंस के कारण कुछ पानी अगेंस्ट द ग्रेविटी रुक जाता है, उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर। इसी तरीके से एक और वाटर होता है जिसको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। नेक्स्ट वाटर इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। सो व्हाट डू यू मीन बाय हाइग्रोस्कोपिक वाटर? ये तो आपने सॉइल में भी पढ़ा था, मैंने पढ़ाया भी था। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? इट इज द वाटर, कुछ पानी जो है ना सॉइल सॉलिड्स एटमोस्फेयर से अपनी सतह पर बहुत रिजिडली बाउंड कर लेते हैं। सॉइल सॉलिड्स जो हैं, जितना ज्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा उन सॉइल सॉलिड्स का, उतना ही उनके अंदर सतह से किसी चीज को एड्सॉर्ब करने की क्षमता होगी। जैसे किले के अंदर बाहर एटमॉस्फेयर से किसी भी चीज को, मतलब पानी को या फिर किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है बहुत। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है? वो पानी जो सॉइल सॉलिड्स अपने हाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया के कारण एटमॉस्फेयर से अपनी सतह पर रिजिडिटली बाउंड कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो व्हाट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर? इट इज द वाटर विच इज रिटेन्ड, या इट इज द वाटर विच इज रिजिडिटली, it is the water which is rigidly attached by any soil molecule, attached by any soil particle against gravity, gravity against gravity from atmosphere. It is the water which is rigidly attached by soil particle, सॉइल पार्टिकल अगेंस्ट ग्रेविटी फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से जो पानी सॉइल पार्टिकल अपने ऊपर अटैच कर लेते हैं, रिजिडिटली अटैच कर लेते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, उसी को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, उसी को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से पूछ लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको ये चीज जो मैं बता रहा हूं वो जब तक समझ में नहीं आएगा तो आपको बेटा आगे की बातें समझ में नहीं आएंगी। चलिए जरा समझ में आ गया, आगे बढ़ रहा हूं। देखो मैं आगे बढ़ रहा हूं। दूसरी बात बता रहा हूं, पानी तो मैंने बता दिए, अब मैं दूसरी चीज बता रहा हूं। देखो जब तक पानी नहीं बताता तब तो समझ में नहीं आता। जैसे हमने सॉइल में फेज डायग्राम पढ़ा है ना, वैसे यहां पर भी हम लोग जो है बेसिक डेफिनेशन को समझाने के लिए एक फेज डायग्राम बना रहा हूं मैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे हम सॉइल में फेज डायग्राम पढ़ रहे हैं वैसे ही मैं बेसिक डेफिनेशन को समझाने के लिए इस तरीके से एक फेज डायग्राम बना रहा हूं, है ना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इरिगेशन में आपको जब हम वो डेफिनेशन फिर से पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा, यहीं पर कोशिश करूंगा समझाने की। तो ये मैंने मान लिया यहां पर पूरी की पूरी सॉइल है, यहां पर मैंने मान लिया क्या, पूरी की पूरी सॉइल। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो सॉइल अपने 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 ऊपर या अपनी सतह के ऊपर रिजिडिटली बॉन्ड कर लेती है, एड्सॉर्ब कर लेती है ना। कहां से एड्सॉर्ब करती है, कहां से लेती है पानी?
ये पानी लेती है आपकी कहां से, एटमॉस्फेयर से, उस पानी को बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, मैंने दिखा दिया क्या HW। इसी तरीके से जैसे ही आप पानी देंगे वैसे ही कुछ पानी फ्लो होने के बाद रिमेनिंग पानी जो है वो क्या होता है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी सॉइल पार्टिकल्स रोक के रख लेते हैं, उस पानी को बोलते हैं हम कैपिलरी वाटर, दैट वाटर इज कॉल्ड एज कैपिलरी वाटर। और कुछ पानी जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी बह जाता है, उसको हम बोलते हैं बेटा ग्रेविटी वाटर, क्या बोलते हैं। तो मैंने दिखाया ये सॉइल है, इस सॉइल के अंदर आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर इतना है, कैपिलरी वाटर इतना है और आपका ग्रेविटी वाटर इतना है। यस और नो, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, तभी चीजें समझ में आएंगी, ध्यान सुनिएगा। तो देखो जैसे ही बरसात हुई, ध्यान सुनिएगा, जैसे ही बरसात हुई तो सारे के सारे वॉइड्स, जैसे ही बरसात हुई तो सॉइल के सारे वॉइड्स पानी से भरे होंगे, यस और नो। मैंने कहा जैसे ही बरसात हुई उस समय सॉइल के सारे वॉइड्स पानी से भरे होंगे, सॉइल के अंदर ग्रेविटी वाटर भी होगा, सॉइल के अंदर वॉइड्स में कैपिलरी वाटर भी होगा और सॉइल के सॉलिड्स ने जो एटमॉस्फेयर से पानी एब्जॉर्ब कर रखा है वो पानी भी होगा, यस और नो। तो जैसे ही आपने इरिगेशन किया, जैसे ही प्रिसिपिटेशन हुई, उस समय सारे के सारे वॉइड्स पानी के भरे होंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय सैचुरेशन कैपेसिटी, द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एज सैचुरेशन कैपेसिटी। तो पहली बेसिक डेफिनेशन है सैचुरेशन कैपेसिटी। तो सैचुरेशन कैपेसिटी क्या होती है, It is the water content available in the soil when all the voids of the soil is fully filled. मैंने क्या बोला, saturation capacity वो maximum water content होता है, या saturation capacity simply वो water content होता है, water content है ये, saturation capacity soil का वो water content होता है जब soil के सारे voids पूर्णता पूरी तरीके से पानी से भरे हों, उसमें ग्रेविटी वाटर भी हो, कैपिलरी वाटर भी हो और हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी हो, तो उस कैपेसिटी को बोलते हैं सैचुरेशन कैपेसिटी। तो अगर हम पूछें सैचुरेशन कैपेसिटी पे कौन कौन से वाटर होंगे, सॉइल के अंदर सैचुरेशन कैपेसिटी पे ग्रेविटी वाटर भी होगा, कैपिलरी वाटर भी होगा और हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी होगा। और ये कब होगा, ये बेटा जैसे ही इरिगेशन दिया, जैसे ही रेनफॉल दी, तब की बात है, आइडियल बात है ये, है ना। लेकिन अब जैसे ही समय चालू होगा, जैसे ही समय चालू होगा वैसे वैसे क्या होगा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, मैंने क्या बोला, जैसे ही समय चालू होगा वैसे ही सॉइल में अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी सॉइल पानी धीरे धीरे परकोलेट करेगा। तो ये जो सॉइल के वॉइड्स में जो ग्रेविटी वाटर था वो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे वो पानी सारा परकोलेट होकर नीचे चला जाएगा, किस सॉइल से, इस सॉइल से। लेकिन उसके बाद भी कुछ पानी जो है सॉइल ने कैपिलरी एक्शन से रिटेन करके रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज कैपिलरी वाटर। और जब बारिश नहीं हुई थी उससे पहले तो कुछ सॉइल सॉलिड्स ने पानी रिटेन करके रखा हुआ ही था, दैट इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो आप देख रहे हैं, अगर हम यहां पर देखें इस वाले पॉइंट पर, तो इस वाले पॉइंट पर देखें तो सॉइल के अंदर पानी हाइग्रोस्कोपिक वाटर के कारण है और कैपिलरी वाटर के कारण है, यस और नो। इस वाले पॉइंट पे देखेंगे एक इंस्टेंट ऐसी आएगी जब सॉइल के अंदर पानी हाइग्रोस्कोपिक वाटर के कारण होगा और कैपिलरी वाटर के कारण होगा। सो इट इज व्हाट, हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी अगेंस्ट द ग्रेविटी रोका हुआ पानी है और कैपिलरी वाटर भी अगेंस्ट द ग्रेविटी रोका हुआ पानी है। सो व्हाट डू यू मीन बाय यहां से लेकर यहां तक का पानी, इट इज द टोटल और इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। यहां से लेकर यहां तक का पानी क्या होगा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर से लेकर कैपिलरी वाटर तक का पानी क्या होगा, इट इज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट अवेलेबल इन द सॉइल अगेंस्ट द ग्रेविटी। मैंने क्या बोला, अगेंस्ट द ग्रेविटी सॉइल ने मैक्सिमम जितना पानी रोक कर रखा हुआ है, रिटेन करके रखा हुआ है, उसको बोलते हैं हम बेटा, दैट इज कॉल्ड एज फील्ड कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड एज फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी क्या है बेटा, वॉटर कंटेंट ही है। वो कौन सा वॉटर कंटेंट है, ये सॉइल का वो वॉटर कंटेंट है जब जब सॉइल, ये सॉइल का वो मैक्सिमम वॉटर कंटेंट है जब सॉइल के अंदर कैपिलरी वॉटर और हाइग्रोस्कोपिक वॉटर होता है। तो फिर से रिवाइज कर रहा हूं, मैंने कहा कि जैसे ही बारिश हुई तो सारे के सारे वॉइड्स भरे होंगे,
उस समय जो वाटर कंटेंट होगा सॉइल का उसको बोलेंगे सेचुरेशन कैपेसिटी, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे ग्रेविटी वाटर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा आपका रिमूव हो जाएगा। उस ग्रेविटी वाटर के रिमूव होने के बाद कुछ पानी कैपिलरी एक्शन से रुका होगा, कुछ पानी हाइग्रोस्कोपिक एक्शन से रुका होगा, तो वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर जो सॉइल ने अगेंस्ट द ग्रेविटी रोक के रखा हुआ है उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट को ही बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। तो अगर मेरी सॉइल फील्ड कैपेसिटी है, फील्ड कैपेसिटी पर है, तो उसके पास जो वाटर होगा वो कैपिलरी वाटर होगा और हाइग्रोस्कोपिक वाटर होगा। तो फील्ड कैपेसिटी पर जो सॉइल होगी तो उसके पास कैपिलरी वाटर होगा और हाइग्रोस्कोपिक वाटर होगा। और ये जो कैपिलरी वाटर होता है ना, इसी पानी को जो है प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। अब होगा क्या, ये कैपिलरी वाटर इसी सॉइल के मॉइस्चर जोन में होगा, ये कैपिलरी वाटर इसी जोन में होगा। अब जो प्लांट्स के रूट्स है ना, ये जो रूट्स फैले हुए हैं, ये रूट्स क्या करेंगे धीरे धीरे, ध्यान सुनिएगा, ये रूट्स क्या करेंगे धीरे धीरे, ये रूट्स बेटा धीरे धीरे क्या करेंगे, पानी को सक करेंगे, पानी को इसके ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ भेजेंगे, यहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और फाइनली पानी ट्रांसपायरेशन की वजह से लॉस्ट हो जाएगा, थोड़ा प्लांट बढ़ेगा, उसके बाद फिर रूट्स भी फैलेंगे, फिर ये यहां का पानी लेगा, फिर इस तरीके से प्लांट की ग्रोथ होती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती जाएगी वैसे वैसे ये कैपिलरी वाटर जो इसने पार्टिकल्स ने रोक कर रखा हुआ है वो कैपिलरी वाटर कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा, ध्यान सुनिएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पर सॉइल के अंदर केवल और केवल कौन सा पानी रह जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा धीरे धीरे यूज करेगा कैपिलरी वाटर, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सॉइल के अंदर केवल हाइग्रोस्कोपिक वाटर रह जाएगा। और बेटा ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर तो सॉइल में बहुत स्ट्रांगली एड्सॉर्ब है, जैसे ही सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट हाइग्रोस्कोपिक वाटर पर पहुंचेगा वैसे ही बेटा इन रूट्स का जो सक्शन मैकेनिज्म है ना, सक करने का, पानी को सक करने की जो मैकेनिज्म है ना वो फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो पानी अवेलेबल है सॉइल में वो केवल हाइग्रोस्कोपिक वाटर है और इस हाइग्रोस्कोपिक वाटर को ये रूट्स आसानी से खींच नहीं सकते। और जब ये रूट्स खींच नहीं पाएंगे पानी, तो पानी बेटा ऊपर नहीं जाएगा, पत्तियों को नहीं मिलेगा, पत्तियां फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगी, ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाएगा, खाना नहीं बन पाएगा, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और प्लांट्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, प्लांट्स मुरझाना शुरू हो जाएंगे। तो वो वाटर कंटेंट जिस पर प्लांट्स मुरझाना शुरू हो जाते हैं उस वाटर कंटेंट को बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। तो अगर मैं पूछूं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर सॉइल में कौन सा पानी होगा, तो आप बोलोगे परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर सॉइल के सॉलिड्स के बीच जो पानी होगा वो सिर्फ हाइग्रोस्कोपिक वाटर होगा। लेकिन वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, उस पानी को सॉइल रूट्स जो है प्लांट्स के वो खींच नहीं पाते हैं, जिसके कारण प्लांट्स सूखना शुरू कर जाते हैं। तो ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर कौन सा पानी है? ये भी तो वो पानी है जो अगेंस्ट द ग्रेविटी रोक रखा है। तो अगर हमसे पूछें व्हाट इज द फील्ड कैपेसिटी, तो आप बोलोगे फील्ड कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट। ध्यान से देखिएगा, मैं आप बोलेंगे फील्ड कैपेसिटी इज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट प्रेजेंट, मैक्सिमम वाटर कंटेंट विच इज हेल्ड बाय द सॉइल पार्टिकल्स। सॉइल ने जितना मैक्सिमम अगेंस्ट द ग्रेविटी पानी को रोक के रखा हुआ उसको बोलेंगे फील्ड कैपेसिटी। तो अगर हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट को डिफाइन करें, तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट। ये कितना, कौन सा वाटर कंटेंट है? इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट विच इज हेल्ड बाय द सॉइल अगेंस्ट द ग्रेविटी। फील्ड कैपेसिटी मैक्सिमम वाटर कंटेंट है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मिनिमम वाटर कंटेंट है जो सॉइल हेल्ड कर सकती है। जैसे ही पानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर पहुंचेगा प्लांट्स का सूखना शुरू हो जाएगा और प्लांट्स के अंदर विल्टिंग होना शुरू हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं, अगर हमसे पूछें कि भाई साहब बताइए वो कौन सा पानी है, मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए वो कौन सा पानी है जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अवेलेबल है, मैं आपसे अगर पूछूं कि वो कौन सा पानी है बेटा जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए अवेलेबल है, तो आप बोलोगे सर फील्ड कैपेसिटी पर जो पानी होता है वो कैपिलरी और हाइग्रोस्कोपिक, और जो आपका परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में जो पानी होता है वो सिर्फ हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक जो है स्टोर नहीं हो पाएगा। तो प्लांट्स की सफिशियंट या फुल फ्लेश्ड ग्रोथ के लिए जो पानी अवेलेबल होता है
उसको बोलते हैं अवेलेबल वाटर. वो अवेलेबल वाटर क्या कहलाएगा, दैट इज इक्वल टू कैपिलरी वाटर. और दिस इज नथिंग बट इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट. मतलब कैपिलरी वाटर ही प्लांट्स की फुल फ्लेस्ड ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और वो किसके बराबर होता है, फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बराबर होता है. इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, आई होप. नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछिए आप. अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिए. देखो अब धीरे धीरे ये जो कैपिलरी वाटर है, अवेलेबल वाटर है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. जैसे जैसे ग्रोथ होती जा रही है, पानी यूज होता जा रहा है, वैसे वैसे ये क्या चीज होती जा रही है, ये कैपिलरी वाटर कम होता जा रहा है. एक समय ऐसा आएगा जब इस पॉइंट पर जब पानी यहां पर पहुंचेगा तो प्लांट सूखना शुरू हो जाएंगे. तो क्या कभी आप चाहोगे, एज ए अगर आप किसान हो तो कभी आप चाहोगे कि आपकी सॉइल का जो वाटर कंटेंट है वो इस पॉइंट तक पहुंचे कि प्लांट सूखना शुरू हो जाएं? कभी भी आप ऐसा नहीं चाहोगे कि हम अपना वाटर कंटेंट कभी भी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने नहीं देना चाहते हैं. हम लोग एक साइकोमेट्रिक वाटर कंटेंट डिफाइन कर देते हैं जो कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होता है, जिसको हम बोलते हैं ओएमसी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट. हम ये बोलेंगे कि हम इस कैपिलरी वाटर को मैक्सिमम यहीं तक जाने देंगे, इससे ज्यादा जाने नहीं देंगे. जैसे ही यहां पर पहुंचेगा फौरन हम क्या कर देंगे, इरिगेशन कर देंगे और इरिगेशन करके पानी को कहां पहुंचा देंगे, फील्ड कैपेसिटी तक पहुंचा देंगे. तो यहां से यहां तक का जो पानी था वो अवेलेबल वाटर का वो हिस्सा था जो किसी किसान ने अपनी प्लांट्स, अपनी फसल के सूखने से बचाने के लिए रीडली अवेलेबल कराया था प्लांट्स को, उसी को बोलते हैं रीडली अवेलेबल वाटर. ध्यान सुनिए, मैंने कहा कि इस कैपिलरी वाटर को किसान गिरने तो देते हैं लेकिन वो कभी भी नहीं चाहते कि ये पानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक गिरे, है ना. तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, एक वाटर कंटेंट डिफाइन कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज ओएमसी वाटर कंटेंट. बोलते हैं कि जब ये वाटर कंटेंट ओएमसी पर पहुंच जाएगा तभी मैं क्या कर दूंगा इरिगेशन कर दूंगा. पानी को कभी भी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने देंगे नहीं, क्योंकि अगर पानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक पहुंच गया बेटा तो ऑब्वियस ही बात है उस प्लांट्स की, उस रूट्स की जो सक्शन मैकेनिज्म है वो आपकी क्या हो जाएगी, वो सक्शन मैकेनिज्म फेल हो जाएगी और प्लांट्स मुरझाना शुरू हो जाएंगे. तो अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल इधर वाटर कंटेंट लिया और इधर मैंने फॉर एग्जाम्पल टाइम लिया, ध्यान से देखिए, मैंने वाई एक्सिस पे लिया बेटा वाटर कंटेंट और इस एक्सिस पे लिया मैंने क्या, टाइम. तो ध्यान से देखिए, t is equal to zero पर पानी कहां था, पानी फील्ड कैपेसिटी पे था. पानी क्या था, फील्ड कैपेसिटी पे था. प्लांट्स के पास सफिशियंट मॉइस्चर अवेलेबल था अपनी ग्रोथ के लिए. पानी फील्ड कैपेसिटी पे था तो यानी प्लांट्स के पास सफिशियंट मॉइस्चर अवेलेबल था अपनी ग्रोथ के लिए. अब धीरे धीरे क्या होगा, समय के साथ धीरे धीरे पानी क्या होगा बेटा, धीरे धीरे पानी कम होगा. इस तरीके से एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जो कि ऑब्वियस सी बात है उस वाटर कंटेंट से ज्यादा होगा जिस वाटर कंटेंट पे प्लांट सूख रहे हैं. तो हम उस वाटर कंटेंट पर जैसे ही पानी पहुंचेगा, अगर आपने परमानेंट विल्टिंग पॉइंट तक जाने दिया तो प्लांट सूख जाएंगे. तो जैसे ही ये ओएमसी तक पहुंचेगा वैसे ही मैं क्या करूंगा, वैसे ही यहां पर मैं पानी अप्लाई कर दूंगा आर्टिफिशियली, वैसे ही मैं आर्टिफिशियली पानी अप्लाई कर दूंगा इन द फॉर्म ऑफ इरिगेशन. तो वैसे ही मैं इस पानी को अप्लाई करूंगा, कहां तक अप्लाई करूंगा, सच दैट ये पानी कहां पहुंच जाए, फील्ड कैपेसिटी पर. अभी फील्ड कैपेसिटी पर पानी पहुंचा, अब समय के साथ ये प्लांट्स इसको क्या करेंगे बेटा, समय के साथ ये प्लांट्स इसको यूज करेंगे. फिर ये पानी ओएमसी तक पहुंचा, फिर मैंने इरिगेशन कर दिया, फिर इस तरीके से पानी ओएमसी तक पहुंचा, फिर इरिगेशन कर दिया. तो आप देख रहे हैं यहां पर मैंने फर्स्ट वाटरिंग दी थी सॉइल को, फर्स्ट वाटरिंग दी थी, उसके बाद मैंने सेकेंड वाटरिंग दी, दूसरी बार पानी दिया. तो दो कॉन्जिक्यूटिव वाटरिंग्स के बीच का जो समय होता है, ध्यान सुनिएगा, दो कॉन्जिक्यूटिव वाटरिंग्स के बीच का जो समय होता है उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, तो आपको अभी बस ये बात याद रखनी है कि फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होती है, रेडली अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता है, अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता है. और अब और ये भी सब समझना है कि हम इरिगेशन तब नहीं करते जब पानी जो है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है. क्यों? क्योंकि अगर पानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया तो उस समय प्लांट्स की सक्शन मैकेनिज्म खराब हो जाएगी. तो इसीलिए हम लोग जो है इरिगेशन जो है तब करते हैं जब पानी जो है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने वाला होता है, उससे पहले ही कर देते हैं.
और उसके लिए हम एक लिमिट बना देते हैं, दैट लिमिट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, दैट लिमिट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जो हर एक किसान की अलग अलग होगी। कोई किसान बेटा बहुत डरता होगा तो वो अपना ओएमसी इस पॉइंट पे भी रख सकता है, कोई किसान जो है डरता नहीं होगा, अरे कुछ नहीं होगा, तो वो अपने ओएमसी को यहां पर भी रख सकता है कि मतलब जब पानी इस ओएमसी तक पहुंचेगा तब इरिगेशन करूंगा, कोई अपना ओएमसी यहां पर भी रख सकता है। लेकिन लेकिन जो फील्ड कैपेसिटी होगी किसी भी सॉइल की, जो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट होगी, वो हमेशा जो है यूनिक रहेगी। लेकिन ओएमसी जो है वो हर एक किसान के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो अपना परमिसिबल वाटर कंटेंट कितना रख सकता है जिसके बाद उसे इरिगेशन करना है। तो आप मुझे बताइए, सैचुरेशन कैपेसिटी समझ में आया, फील्ड कैपेसिटी समझ में आया, परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट समझ में आया नहीं आया? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। पीएटी एएटी बताएंगे अभी, कैपिलरी वाटर। चलिए जरा बताइए जरा जल्दी से, ये जो मैंने आपको बताया फील्ड कैपेसिटी, ये सारी चीजें समझ में आई नहीं आई? वसु पंडित कह रहे हैं समझ में आ गई। अब इसको जरा थ्योरी की फॉर्म में समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए, पहले मैंने बताया सैचुरेशन कैपेसिटी क्या थी, डायग्राम में आपको दिखता होगा, इट इज द टोटल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल व्हेन ऑल द वॉइड्स ऑफ सॉइल आर फिल्ड विद वाटर। ये वो वाटर कंटेंट है जब सारे के सारे वॉइड्स पानी से भरे होते हैं, उसको बोलते हैं सैचुरेशन कैपेसिटी। फील्ड कैपेसिटी क्या है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, याद रखिएगा मैक्सिमम, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट द सॉइल कैन रिटेन अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी सॉइल जितने मैक्सिमम वाटर कंटेंट को रोक के रखती है उसको हम बोलते हैं बेटा फील्ड कैपेसिटी। तो फील्ड कैपेसिटी पर किस किस की वजह से पानी होगा, सॉइल हैव हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड कैपिलरी वाटर, डायग्राम से दिखता होगा। फिर आपका परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट क्या है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट द सॉइल कैन रिटेन, सबसे न्यूनतम पानी जो सॉइल अगेंस्ट द ग्रेविटी रोक के रख सकती है उसको बोलते हैं परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। अगर पानी जो है परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया तो उस समय प्लांट्स क्या होंगे, प्लांट जो है सूखना शुरू हो जाएंगे, एट दिस वाटर कंटेंट प्लांट सूखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस वाटर कंटेंट, इस परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पे जो पानी बचता है वो केवल हाइग्रोस्कोपिक पानी बचता है, और ये हाइग्रोस्कोपिक पानी तो बेटा सॉइल के पार्टिकल्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रोक के रखा हुआ है। इस पानी को बेटा निकालना प्लांट्स की बस की बात नहीं है, अरे इंसान की बस की बात नहीं है। तभी तो हमने जब सॉइल पड़ी थी तब हमने ओवन का टेम्परेचर कितना रखा था, 105 डिग्री सेल्सियस से 110 रखा था, क्योंकि इस हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है वो सॉइल पार्टिकल से बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, 100 टेम्परेचर पे नहीं उड़ता है, कम से कम 105 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखो तब जाके ये उड़ता है, बहुत रिजिडली बॉन्ड होता है। तो इसलिए जो है प्लांट्स इस पानी को निकाल नहीं पाती हैं, जिसके कारण प्लांट्स जो है सूखना चालू हो जाते हैं। फिर अवेलेबल वाटर क्या है, मैंने डायग्राम में दिखाया था, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट एंड फील्ड कैपेसिटी विच इज नथिंग बट इक्वल टू कैपिलरी वाटर। इट इज अवेलेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, प्लांट की ग्रोथ के लिए यही अवेलेबल होता है। लेकिन फिर मैंने आपको क्या बताया, हम लोग क्या करते हैं कि भाई साहब पानी जो है परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट तक ना पहुंचे, कि भाई साहब उस पॉइंट तक ना पहुंचे जहां पर रूट्स की सक्शन मैकेनिज्म ही खराब हो जाए। इसलिए हम लोग एक ऐसी लिमिट डिफाइन कर देते हैं परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट के ऊपर कि भाई साहब जब पानी यहां पर पहुंचे तभी इरिगेशन करो, बिल्कुल डेडलाइन पे पहुंचने की क्या जरूरत है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे आपके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए है ना, आपके घर से 5,000 रुपए रोज आते हैं, हर महीने आते हैं खर्चे के लिए, तो आपके अकाउंट में जब आपका, आपके पापा ने क्या बोला, आपने पापा ने ये नहीं बोला कि बेटा जब आपके अकाउंट में 0 पैसे हो जाए तब मुझे बताना, तब मैं पैसे डाल दूंगा इसमें, इस अकाउंट को रिचार्ज करा दूंगा। उन्होंने क्या बोला कि बेटा जब तेरे अकाउंट में जो है 1,000 रुपए बचे ना तब मुझे बता देना, तब मैं अकाउंट को रिचार्ज करा दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका अकाउंट 0 हो गया तो होगा क्या, आपकी जो स्पेंड करने की क्षमता है वो 0 हो जाएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम आ गई इमरजेंसी में तो इसलिए जो है दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक जो फाइनल वैल्यू है उसको आने से पहले ही हम लोग क्या कर देते हैं, इरिगेशन कर देते हैं। जैसे बैलेंस के 0 होने से पहले ही पापा ने क्या कर दिया, बैंक अकाउंट रिचार्ज करा दिया। पापा ने बोला जब 1,000 रह जाएंगे ना तेरे पास तभी करना, तब मुझे बता देना, मैं तेरा रिचार्ज करवा दूंगा, तब मैं तेरा बैंक अकाउंट रिचार्ज करा दूंगा। लेकिन जब 0 हुआ तब नहीं बोला उन्होंने, क्यों, क्योंकि अगर 0 हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। इसी तरीके से अगर वाटर, अगर प्लांट्स, अगर जो वाटर वाटर है वो अगर परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट पर पहुंच गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्लांट सूखना शुरू कर जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन तब करते हैं जब पानी जो है
परमानेंट विल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर हो और उस वाटर कंटेंट को बोलते हैं ओएमसी वाटर कंटेंट। तो रीडली अवेलेबल वाटर क्या है, ये अवेलेबल पानी का वो हिस्सा है जो आसानी से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे 5000 है ना, तो 5000 है, आपके पापा ने कहा है कि बेटा जो है 1000 रुपए जब बचे तब बता देना, तो ये जो 5000 में से 1000 घटाओगे, जो 4000 रुपए है ना बेटा, ये 5000 रुपए तो पूरे आप यूज कर सकते थे, ये अवेलेबल अमाउंट था आपके पास, लेकिन उस 5000 में से ये 4000 जो था वो रीडली अवेलेबल था, मतलब आप इसे बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर आप इसके नीचे का यूज करेंगे तो या तो बैंक वाले डांटेंगे या फिर पापा डांटेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रीडली अवेलेबल फील्ड कैपेसिटी, सेचुरेशन कैपेसिटी, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट क्या होता है। अगर आपको ये बात यहां तक समझ में आई तो जल्दी से बताइए। नो डाउट, बिल्कुल समझ में आ गया आपको। चलो जरा बेटा अब हम कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इवेपोरेशन। एक होता है पोटेंशियल इवेपोट्रांसपरेशन, एक होता है एक्चुअल इवेपोट्रांसपरेशन। कैसे दोनों को निकाला जाता है उस पर हम कल डिस्कस करेंगे बेटा, कैसे दोनों को निकाला जाता है उसको हम बेटा कल डिस्कस करेंगे। और जो है हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे उनको मेजर किया जाता है, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको बेटा मेजर किया जाता है, कौन कौन से मेथड है, पेनमांस इक्वेशन क्या है, बेनले क्रेडल इक्वेशन क्या है। इसको करते करते अगर समय बचेगा तो हम बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज इन्फिल्ट्रेशन की तरफ बढ़ जाएंगे, और इन्फिल्ट्रेशन करते ही ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो ये थोड़ा छोटा चैप्टर है लेकिन इस पर सवाल मैं खूब कराऊंगा। तो आज की क्लास जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको बेटा क्लास हमारी पसंद आई है तो वही सदाबहार, अगर आपको बेटा हमारी क्लास पसंद आई है तो आप उससे क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं ये, और साथ ही साथ शेयर करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आप शेयर करते हैं तो आप एजुकेशन के लेवल को बढ़ाते हैं। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो डिसलाइक, एक दो बच्चा मैं देखता हूं डिसलाइक कर देते, कोई बात नहीं करिए, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। हमारा चैनल लेट्स क्रैक गेट एंड ESE सिविल इंजीनियरिंग, अगर आपको जो है पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ES001 अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इकोनॉमिकल है, तो आप जो है मेरा कोड यूज कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन दबा सकते हैं। और अगर आपको लेटेस्ट, अगर आपको अपकमिंग वीडियोस हमारे और भी टीम के मेंबर्स की चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए बेटा, COVID-19 में अपना ख्याल रखिए, रिवाइज करते जाइए, ग्रो करते जाइए, और कोई डाउट आए तो मेरे से पूछ सकते हैं। आप आज की क्लास अब बेटा यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना, और आपको अगर कोई भी डाउट आए वो मेरे से पूछ लेना बेटा, और कल जो है ये सब रिवाइज करके आना, तब हम जो है और भी अच्छे टॉपिक्स की तरफ बात करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, आज शाम में मिलते हैं बेटा। आज जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग की 7 बजे क्लास है आपकी, जिसमें हम ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, वो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हम ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में सीव एनालिसिस पढ़ेंगे, सेडिमेंटेशन एनालिसिस पढ़ेंगे। तो अनअकैडमी की ऐप पर ये क्लास चलेगी, लिंक मैं आपको भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, सब पे लिंक मैं भेज दूंगा। शाम की क्लास में आइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की क्लास।